हेलो एवरीवन गुड इवनिंग मैं कान सिंह टी एग्जाम जोन में आपका स्वागत करता हूं कैसे हो दोस्तों उम्मीद करता हूं ठीक होंगे आज हमारा टॉपिक कार्य और दक्षता है वैसे समय और कार्य का पार्ट इससे मानते हैं लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कार्य दक्षता किताबों में मिश्र समानुपात के नाम से अलग से आता है टाइम एंड वर्क अलग चीज़ है कार्य दक्षता अलग चीज है अगर कहीं किसी भी सिलेबस में ऐसा लिखा हुआ आ जाए वर्क एंड इफिशियंसी इसका मतलब वो आज जिस बिंदु को हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी बात करेगा अगला वर्क एंड इफिशियंसी में अलग तरह से सवाल पूछेगा है मिलते जुलते ही सवाल देखने में आपको लगेगा जगह जगह कार्य ही करना होता है तो समय कार्य की ही अपने आप में सवाल होते हैं लेकिन सब वर्क एंड इफिशियंसी के नाम से अलग होंगे ठीक है मध्य की क्लास से जैसा कि आपको पता है लिखा हुआ ही है आज की क्लास मध्यरात्रि की क्लास है कल की क्लास भी मध्य

जितनी देर हो सके जितना खत्म करने की कोशिश करेंगे ठीक है देखो एक मिनट सुनिए टॉपिक का नाम है भाई कार्य और दक्षता कार्य और दक्षता कार्य और दक्षता का मतलब है वर्क एंड एफिशिएंसी यहां आज की जो क्लास में होगा ऐसे होगा कि जैसे तीन आदमी हैं, चार आदमी हैं, पांच आदमी हैं, वो किसी काम को करते हैं जैसे कुछ चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं फिर कुछ फॉर्मूले कन्वर्ट करेंगे मान लीजिए ये एक खेत है इस खेत को यहां कटाई करनी है इसकी इस खेत की कटाई करने के लिए आप लोगों ने कुछ आदमी काम पर भेज दिए जैसे मान लो आप लोगों ने बीस आदमी भेज दिए एक चीज ध्यान रखना जब ये बीस आदमी आपने काम पर भेजे तो इन्होंने ये काम जो है वो पंद्रह दिन में पूरा कर दिया पूरा खेत पंद्रह दिन में खत्म कर दिया अब एक चीज ध्यान रखना यहां कुछ चीजें हम पढ़ेंगे सबको गुड इवनिंग आ जाइए एक एक करके भाई समझिए बात को पहले कुछ कहानी इसकी समझिए इस सवाल का सेंस क्या लगता है पंद्रह यहां दिन में काम खत्म होता है कुछ चीजें मैं बताऊंगा वो समझना हमारे यहां एक तो होगा आदमी ऐसे शब्द निकला है कहीं कहीं लिखा होगा कि लड़के कहीं कहीं लिखा होगा कि महिला पहली चीज आप लोग ये समझेंगे आज के बाद अगर मान लीजिए पूरे पर्सन में सिर्फ आदमी की ही चर्चा कर रहा है तो फिर प्रत्येक आदमी की क्षमता आपको एक जैसी माननी है अगर पूरे पर्सन में सिर्फ लड़कों की चर्चा कर रहा है मतलब प्रत्येक लड़के की क्षमता आपको एक जैसी माननी है अगर प्रत्येक पूरे पर्सन में सिर्फ महिलाओं की बात कर रहा है तो हर महिला की क्षमता आपको एक माननी है अपनी कैटेगरी में सभी महिलाएं एक समता की मानोगे सभी लड़कों को एक समता का मानोगे और सभी आदमियों को एक समता का मानोगे लेकिन ध्यान रखें अगर एक ही पर्सन में आदमी की भी बात कर रहा है और लड़के की भी बात कर रहा है एक ही सवाल में अगर दोनों की बात कर रहा है आदमी और लड़के दोनों की तो सर उस कंडीशन में आप लोगों को पता है क्या करना है फिर से रिपीट कर रहा हूं अगर आदमी की भी बात करना है और लड़के की भी बात करना है अगर एक ही प्रश्न में दो चीजों की बात कर रहा है तो इनकी क्षमताएं हमें ज्ञात होना बहुत जरूरी है दोनों की अलग अलग इफिशियंसी बहुत जरूरी है आइए मेरी बात समझिए मैं कहूं किसी खेत को ये पूरा खेत है मान लो इस खेत का जो कटाई हो रहा है बीस आदमी पंद्रह दिन में पूरा काट देते हैं तो कुल खेत कितना हो गया ये बताओ तो आप बोलेंगे यहां हर आदमी की क्षमता जो है वो एक मानो आप अगर एक जैसी सारे आदमियों की क्षमता है तो आप बोलेंगे बीस आदमी एक आदमी की क्षमता अगर एक है तो बीस आदमियों की क्षमता बीस होगी और बीस होगी तो पंद्रह गुणा बीस बोले तो तीन सौ खेत है पूरा अगर मैं कहता हूं इसी खेत को काटने के लिए आप बीस के बजाय मान लीजिए बारह आदमी काम पर भेजते हैं कितने आदमी बारह आदमी काम पर भेजते हैं तो ये खेत कितने दिन में कटेगा हमें यह बताना है तो आप बोलेंगे कौन सा खेत 300 बीघा का खेत अगर 12 आदमी काम पर भेजें तो कितने दिन में खत्म करेंगे तो आप बोलेंगे इस 300 को 12 आदमियों द्वारा करना है तो एक आदमी की कितनी क्षमता होगी एक तो 12 आदमियों की कितनी क्षमता होगी 12 तो 300 बटा कितना होगा 12 मुझे एक बात बताओ आप इससे पहले अब क्रिएट करते हैं कोई मुझे ये बताएगा इस जगह कि जिस खेत को बीस आदमी पंद्रह दिन में काट रहे हैं क्या वही खेत बारह आदमियों को कुछ दिनों में काटना है मान लो अक्स दिनों में काटना है कितने दिनों में काटना है भाई अक्स दिनों में काटना है तो जिस खेत को 12 आदमी अगर अक्स दिनों में काट रहे हैं वही खेत 20 आदमी 15 दिन में काट रहे हैं कोई मुझे यह बताने की कोशिश करेगा क्या कि दोनों कंडीशन में खेत तो सेम है अगर दोनों कंडीशन में खेत सेम है तो आदमियों की संख्या को अगर दिनों से गुणा कर दूंगा तो कुल कार्य आ जाएगा इसका मतलब इन 20 आदमियों का 15 दिन का काम जो है वो बराबर है क्या इन 12 आदमियों के अक्स दिन के काम के तो आप बोलेंगे 12 आदमियों के अक्स दिनों के काम के इसका उठा के भाग लगा इसको क्या बोलते हैं पता है यहां ध्यान रखना इसको बोलते हैं हम एम इसको बोलते हैं डी बराबर इसको बोलते हैं एम इसको बोलते हैं डी सबसे पहले इसको एमडीएच फॉर्मूला के नाम से जानते हैं इसका मतलब आज के बाद में सर ध्यान देंगे इस चीज का अगर वर्क वर्क एंड का कोई सवाल आता है तो वहां एक फॉर्मूला होता है एमडीएच फॉर्मूला उसको कहते हैं एम वन डी वन का ठीक है एमडीएच फॉर्मूले का मतलब ये वो वाला जो है ये पूरा कार्य को दर्शाता है इसका मतलब आप कहिए कि एम वन डी वन बराबर किसके होगा एम टू डी टू के याद रखें एम वन डी वन बराबर किसके होगा एम टू डी टू के यहां फॉर्मूला जनरेट करते हैं कैसे फॉर्मूला निकलता है वैसे आप चाहो तो इसे हल कर सकते हैं आगे फॉर्मुले पता है क्या क्या होते हैं सबसे फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला होता है M1, M2, ठीक है अगर सिर्फ आदमी और दिन दिए हैं तो अगर उसमें प्रतिदिन पर घंटे काम करने का टाइम दिया है तो एम वन डी वन बराबर एम वन डी वन एच वन बराबर होता है एम टू डी टू एच टू तो आप बोलेंगे एम वन डी वन एच वन बराबर एम टू डी टू एच टू अगर मान लो वर्क और दिया है कार्य दिया है तो फिर होता है m1 d1 h1 w1 बराबर आप कहते हैं भाई m2 d2 h2 w2 आपको ऐसा लग रहा है जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो पहली चीज यहां देखिए भाई m का मतलब होता है आदमी यहां मैन पावर की बात हो रही है अगर महिला है तो वो महिला रहेंगी d का मतलब यहां होता है भाई दिन ठीक है और h का मतलब होता है यहां घंटे में समय जो दिया है हावर दे रखा है और w का मतलब वर्क होता है और वर्क को हम बोलते हैं कार्य ये ऐसे ही बनता है सर यहां जो है वो मैन से बना है ये वाला जो बना है वो डे से d बना है ये वाला हावर से बना है और ये वाला वर्क से w बना है ऐसे बनते हैं सब लोग समझिए मेरी बात को एक सिंपल तरीके से फिर से मैं कह रहा हूं आप फॉर्मूला होता है बराबर कि पहली कंडीशन में में जितने जितने आदमी दिन में पर घंटे करके काम करते हैं दूसरी कंडीशन में कितने आदमी कितने दिन प्रति घंटे काम करके काम करें कि दोनों कार्य बराबर हो जाएं ये कार्य निकालने का तरीका होता है मतलब ये एक तरह से कार्य है अगर कभी कुल कार्य निकालना हो तो एम वन एम डी और एच को मल्टीपल कर दो लेकिन एक चीज ध्यान दो ये आदमी दिन और घंटे हमेशा ही मल्टीपल होते हैं लेकिन याद रखना कार्य का हमेशा भाग लगता है फिर से रिपीट कर रहा हूं आदमी दिन और घंटे हमेशा गुणा होते हैं जबकि कार्य का हमेशा क्या लगता है भाग लगता है सवाल उठता है कि कार्य में किस-किस को कार्य का भाग ही लगता है हमेशा वैसे इसको चाहो तो तुम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी फॉर्मूला होता है कई किताबों में ऐसे भी लिख देता है m1 d1 h1 w2 बराबर आप यह भी कह सकते हैं m2 d2 h2 बटा और गुणा डब्लू वन ये भी कई कई किताबों में लिख दिया जाता है यहां प्लीज ध्यान दें एम वन डी वन एच वन डब्लू टू बराबर एम टू डी टू एच टू डब्लू वन के नाम से भी आप जान सकते हैं प्लीज यहां एक चीज ध्यान से सुनिए सब लोग बाद वाला कार्य पहले के साथ गुणा होता है और पहला कार्य बाद वाले के साथ गुणा होता है फिर से देखो बाद वाला कार्य पहले के साथ पहला कार्य बाद वाले के साथ कार्य हमेशा उल्टा होता है फिर बाकी एम वन डी वन एच वन बराबर एम टू डी टू एच टू एम डी एच मसाला याद रखना हाँ वैसे एम डी एच वाला जो मसाला होता है ना उस एम डी एच का फुल फॉर्म पता है, है क्या क्या होता है उसका फुल फॉर्म है महासियादी हट्टी महासिया दी हट्टी ऐसा माना जाता है कि जो एम टी एम डी एच वाले जो दादाजी थे वो दिल्ली में पहले घर में ही मसाले कूट कूट के आस पड़ोसियों में बेचा करते थे और आज वो विश्व प्रसिद्ध मसाला हो चुका है एम डी एच महासिया दी हट्टी उन उस पूरी कंपनी का नाम है एम डी एच कंपनी का नाम ठीक है तो बात ये थी सीधी सीधी कि हमेशा पहले आदमी पहला दिन बराबर होगा दूसरे आदमी दूसरे दिन अगर पूरे पर्सन में आपको एक ही तरह के आदमी दे रखे हैं लेकिन उस कंडीशन में क्या करेंगे जब आदमी और लड़के एक ही पर्सन में दे, दे दे दोनों तो उसके लिए फिर समता एक नहीं माननी है अलग अलग माननी है उस पर हम आएंगे पहले आप इसको समझिए सुनिए जैसे इस सवाल को देखिए भाई एस एस सी का सवाल है सवाल पर आ जाइए सीधे मुद्दे पर आइए क्लास को शेयर कीजिए धीरे धीरे लोग जुड़ना शुरू करते हैं तब तक हम पढ़ते हैं धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं तब तक आप लोग जो है पढ़ना शुरू कीजिए यदि तीस आदमी एक घास मैदान को सात दिन में काट सकते हैं तो इक्कीस आदमी उसी मैदान को कितने दिन में काटेंगे पहले मुझे बताओ मैदान वही है आप कहेंगे हाँ इसका मतलब आप लोग कहिए वन डी वन बराबर होगा एम टू डी टू के ज्यादा कुछ नहीं है बस खास यही है एम वन डी वन बराबर एम टू डी टू के होगा कहता है तीस आदमी किसी घास मैदान को सात दिन में काटते हैं तो बताइए 21 आदमी उसी घास मैदान को कितने दिन में काटेंगे हमसे बात कर रहा है तो आप कहेंगे M1 की वैल्यू कितनी है तीस। तो आदमी जिस घास मैदान को सात दिन में काट सकते हैं उसी घास मैदान को 21 आदमी कितने दिन में काटेंगे हमें ये फाइंड आउट करना है इसका उठा के क्या लगाएंगे ना भाग लगाएंगे आप कहेंगे भाई 30 गुणा सात कितना होगा 21 बराबर कितना होगा d2 बराबर कितना होगा d2 ठीक है भाई आप कहेंगे यस आप कहेंगे सात तिया इक्कीस और दस तिया ती तीस कितना हो गया भाई दस दस बराबर किसके होगा डी टू के तो एस एस सी जी डी वालो अगर मान लो आपके कंडीशन में सबसे सिंपल सवाल यही आ सकता है इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है एक चीज ध्यान रखना कई कई सोच रहे हैं गुरु जी इतने हल्के सवाल आते हैं क्या तो भाई अभी थोड़ा सा बस दिल पे हाथ रख और ऊपर वाले को ऊपर वाला ही बोल भगवान को भगवान कहें इधर देख एस एस सी सी एच एस एल में आया हुआ सवाल है और कब आया है 2022 में मैंने लिख दिया है एस एस सी सी एच एस एल दो हजार बाईस के सारे क्वेश्चन देख ले आपको मिल जाएगा पक्का ठीक है डेट में नहीं लिखवाता हूं बहुत लंबा हो जाता है टाइपिस्ट को टाइम लगता है मैंने सिर्फ इतना लिखवाया है एस एस सी सी एच एस एल दो हजार बाईस चाहे पेपर चेक कर सकते हो जब सी एच एस एल में आ सकता है तो जीडी में क्यों नहीं आएगा भाई अगला देखिए फिर सी एच एस एल दो हजार बाईस का है पंद्रह को पूरा करने में पांच दिन का समय लेते हैं आगे कहता है ना भाई कि अगर पच्चीस कितने दिन में समाप्त करेंगे यह कह रहा है तो पंद्रह व्यक्ति किसी काम को पांच दिन में समाप्त करते हैं फिर कहता है कि बताइए अगर 25 व्यक्ति काम करना चाहें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा हमें कह रहा है तो वही आंसर होगा एम बराबर एम टू डी टू इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दूँगा आप लोगों को मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दूँगा भाई कि आप लोगों को ऐसे सवाल जो है ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप बहुत सीधा सीधा लिखवा दोगे ठीक है जिसकी किस्मत अच्छी है उसके ऐसे आते हैं पंद्रह गुणा पाँच जो है बराबर पच्चीस गुणा कितना होगा भाई क्वेश्चन मार्क यही होगा या फिर आप कह दीजिए अच्छा डी 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 टू है ये तो आप कहेंगे डी टू सर अब थोड़ा थोड़ा आसान करना शुरू करो काटो यहीं से पांच पांच कितना होता है पच्चीस और पांच तीन कितना होता है पंद्रह तीन बराबर किसके होगा भाई डी टू के तो आंसर होगा आपका थ्री क्या बनना चाहिए बोलो तीन नंबर आपका राइट आंसर होना चाहिए अगला सवाल फिर से देखिए सर एक एक करके लोग धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो रहे हैं तब तक आप सवाल बनाना शुरू कीजिए सी एच एस एल में ऐसे खूब सवाल पूछे गए हैं मैं वही आपको बता रहा हूं कहता है ना कि पैंतालीस लोग छह घंटे काम करके किसी दस दिनों में एक सड़क को पूरा मरम्मत कर सकते हैं अगर तीस व्यक्ति प्रतिदिन छह घंटे काम करें तो उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त किया जाएगा हमसे बोला गया है अब की बार यहाँ घंटे में समय दिया है ना भाई अगर टी मतलब तेरा कैरियर सेट बिल्कुल बात तो सही है भाई ये कहता है ना कि M1 D1 H1 वन एच वन बार घंटे में समय आ गया है तो आप बोलेंगे गुरुजी M2 D2 H2 बोलो हाँ या ना आप बोलेंगे हाँ अगर एम वन डी वन एच वन बराबर एम टू डी टू एच टू हो रहा है तो प्लीज मुझे बताइए एम वन का मान कितना है तो आप बोलेंगे पैंतालीस डी वन का मान कितना है तो आप बोलेंगे दस और एच वन का मान कितना है तो आप बोलेंगे 6। बराबर एम टू का मान कितना दिया है उधर देखिए दूसरी लाइन में आदमी कितने हैं तो उसी कार्य को तीस आदमी कितने दिन प्रति कितने दिन में प्रतिदिन छह घंटे करके खत्म करेंगे अगर भाई D2 की वैल्यू चाहिए इसका उठा के भाग लगा दीजिए मेरी गणित कहती है जिसका मान सिर्फ अकेला रहता है बाकी भाग लग जाता है तो आप बोलेंगे गुरु जी पैंतालीस गुणा दस गुणा बटा आप बोलेंगे तीस गुणा कितना 6 उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी मेरी बात वैसे एक चीज बताऊं आप चाहो थोड़े होशियार बच्चे हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसा ना करें ऐसा कमजोर लोगों की निशानी होती है आप यहां से काटेंगे पंद्रह बार कटेगा मैं एक चीज बोलता हूं ऐसा मत करो आप कहो भाई बराबर की संख्या बराबर की संख्या छ को छह काट देगा जीरो को यहां जीरो काट देगा तीन से काटूंगा पंद्रह बार कटेगा इसका मतलब पंद्रह बराबर किसके हो जाएगा आप बोलेंगे ड्यू टू के बराबर होगा उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ गए हैं कोई दिक्कत नहीं होगी क्लियर है सबका नेक्स्ट अगला सवाल ध्यान से देखिए सर क्या कहता है अगला सवाल एस एस सी एम टी एस दो हजार इक्कीस का सवाल है ये सारे लोग पैटर्न से डी डीआरडीओ में और आपकी एस एस सी जी डी में बन सकते हैं कहता है यदि चार आदमी एक दिन में नौ घंटे काम करके पांच दिनों में खेत काट सकते हैं तो दस आदमी एक खेत एक दिन में छह घंटे प्रतिदिन काम करके इसी खेत को कितने दिन में काटेंगे हमें बताना है आप बताइए कहता है चार आदमी एक दिन में इसको भूलना मत ऐसे हिंदी में एक दिन लिख दिया है एक दिन में नौ घंटे काम कर रहा है ये ऐसा बोल देता तीन दिन में नौ घंटे काम कर रहा है तो पर दे तीन घंटे काम होता एक दिन में नौ घंटे मतलब प्रतिदिन नौ घंटे काम कर रहा है तो पांच दिनों में पूरा खेत काट दे रहा है आगे कह रहा है अगर दस आदमी काम पर लगाए जाए कितने आदमी दस आदमी काम पर लगाए जाए और वो छह घंटे प्रतिदिन काम करें तो कितने दिनों में पूरा खेत कट जाएगा हमें कहना है तो आप बोलेंगे भाई एम वन वन और एच वन बराबर एम टू तो एम टू कितना होगा दस एच टू छी टू हमें फाइंड आउट करना है अब लिखना बंद कर दो भाई इतना ज्यादा नहीं लिखना है हर पर्सन में आप यहां से काट दो दस से साठ और नौ पंजे पैंतालीस यहाँ या तो यहां से सीधा काट दो तो या भाग लगा दो देखो जो गरीब लोग हैं दिमाग से पैसे से आप में से कोई गरीब नहीं है तो इसका उठा के भाग लगाइए तो दस गुणा कितना होगा छ बराबर किसके होगा भाई डी के यहां से आप पांच है भाई माफ कीजिए आप बोलेंगे पांच दुनी कितना होगा दस दो दूनी कितना होगा चार दो तिया कितना होगा छह कितना आ जाएगा भाई तीन यही होगा कि नहीं होगा आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो डायरेक्ट कर सकते हैं क्लियर क्या बात है डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं पांच दुनी कितना होगा भाई दस आप ये कहेंगे देखो एक बार फिर से नो चौका छत्तीस और छत्तुनी बारह बारह तिया छत्तीस काटा पीटी मचाओ डी टू ही होगा कैसे किया है आराम से देख लीजिए दो से काटेंगे ना तो दो बार कटेगा दो से काटेंगे तो तीन बार कटेगा तीन इसको काट देगा तीन बार कटेगा अगला सवाल देखिए इक्कीस का फिर से सवाल है धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा हर सवाल का मैं ये चाहता हूं कि ये जो है दिमाग से गरीब है सर हाँ बिल्कुल बीपीएल में है ज्यादातर लोग तो है ना भुखमरी आ रही है कई कई लोगों के दिमाग के तौर पर तो बीस व्यक्ति एक दिन में आठ घंटे काम करते हुए निश्चित कार्य को पूरा करने में पंद्रह दिन का समय लेते हैं उसी काम को चार दिन में पूरा करने के लिए साठ व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा तो आप बोलेंगे सर एक आदमी बीस आदमी यहां हिंदी में लिखा है सर देखिए ट्वेंटी आदमी है ठीक है हाँ ट्वेंटी मैन यहां बोला है बीस आदमी आठ घंटे प्रतिदिन कार्य कार्य करते हुए एक कार्य को पंद्रह दिन में खत्म कर देते हैं कहता है ना कि उसी कार्य को चार दिनों में पूरा करने के लिए अगर साठ व्यक्ति काम पर लगाते हैं तो कितने घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा तो आप यही बोलेंगे एम वन डी वन एच वन बराबर किसके होता है भाई तो आप बोलेंगे गुरु जी एम टू डी टू एच टू के होता है बोलो हाँ या ना आप बोलेंगे यस सर अगर भाई ऐसा ही होता है तो बताइए बीस आदमी अगर कितने दिन काम कर रहे हैं आठ घंटे प्रतिदिन काम करके पंद्रह दिन में काम कर रहे हैं ये मल्टीपल होगा तो कहता है कि दिनों दिनों में में काम काम करने के लिए आदमी अगर चार दिनों में काम करें तो कितने दिन प्रति घंटे काम करना पड़ेगा तो एच का वैल्यू फाइंड आउट करना है एग्जाम में ये लिखना नहीं है एग्जाम में डायरेक्ट यही लिखना है जितना तुम काट सकते हो मैं काटूंगा बीस कितना होगा ना तो आप बोलेंगे साठ यहां से देखो चार दुनी कितना होगा तो आप बोलेंगे आठ यहां से तीन से काटेंगे पांच बार कटेगा पांच दूनी कितना होगा भाई दस दस बोले तो एच टू एच टू की वैल्यू दस होगी उत्तर डी आपको दिया है उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी बात समझ गई होगी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी क्लियर है भाई आगे देखिए सवाल को फिर देखिए धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे एस एस 2021 सी जी एस सी जी एल दो हजार इक्कीस का सवाल है हमें कह रहा है बताइए इसका क्या जवाब होगा आपकी मैथ समझ में आवल आ गई क्या बात है मेरी मैथ समझ में आवल आगी भाई मजा ही ले गया मास्टरानी फोन बड़ी स्पीड से चला रहे हैं तेरा ध्यान मास्टरानी के फोन पे है कमी इधर पर्सन पे ध्यान नहीं है मां जा रहा है मास्टरानी के फोन में घुस रहा है कहा था तू तो इतने दिन अठारह व्यक्ति प्रतिदिन कहता है भाई अट्ठारह व्यक्ति प्रतिदिन आठ घंटे प्रतिदिन काम करते हुए दस दिन में तीन यूनिट कार्य करते हैं एक सवाल और था सर कि वो वर्क क्या होता है जिस डब्लू की मैंने बात की थी कि डब्लू फोर कार्य है वो कार्य क्या होता है तो याद रखना कार्य होता है एक तो होता है कोई दीवार दीवार बना देना याद रखना कोई घोंसला चिड़िया बना देती है उसको भी कार्य कहते हैं याद रखना घर साफ कर देना महिलाएं घर साफ करती हैं तो घर साफ करना भी कार्य में आता है याद रखना पैसा कमाना जो है वो भी कार्य में आता है याद रखना भोजन करना ये भी कार्य में आता है अगर इनकी क्वांटिटी आपको दी है ना मात्रा अगर दी है तो सबके सब, सब कार्य में आएंगे जैसे यहां से देखिए सब लोग अच्छा भाई आज कुछ पीडीएफ मिल गई थी क्या आप लोगों को अगर मिल गई तो ठीक है डाल देंगे जैसे रीजनिंग वाला डाला है तो मैथ वाला भी डाल दूंगा कहता है कि 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 10 दिनों में तीन यूनिट काम करते हैं तो पहली एक चीज देखिए ना भाई एम वन डी वन एच वन बटा डब्लू वन यहां लगेगा बराबर आप कहेंगे एम टू डी टू एच टू बटा डब्लू टू मैं आपको एक बात कहता हूं अगर समझदार हैं तो ऐसे बना लीजिए और अगर आप थोड़ा सा और जल्दी करना चाहते हैं तो इसको क्रॉस मल्टीपल करके एक फॉर्मूला और भी जनरेट कर सकते हो आप ये भी कह सकते हो कि एम वन डी वन एच वन W2 टू बराबर आप कह सकते हैं एम टू डी टू एच टू वन कुल मिला के सौ बातों की एक बात यही बनती है कि बाद वाला कार्य पहले के साथ पहला वाला कार्य बाद वाले के साथ कन्वर्ट करना होता है यहां सवाल है कि कार्य कौन है इस प्रश्न में तो सर ये तीन यूनिट जो है ना यही कार्य है यहां जो पांच यूनिट की बात हो रहा है यही कार्य है ये कार्य अब की बार प्रश्न में दिया है उम्मीद करता हूं अब तक सबका उत्तर आ गया होगा सी उत्तर दिए हैं कॉपी पेस्ट बंद करवा रहे हैं मास्टर जी आप लोग जो है ना इनका कॉपी पेस्ट बंद नहीं करवा सकते बीमार हो गया था गुरु जी बहुत दिन से ठीक है भाई परीक्षा के सामने बीमार नहीं होते हैं देखो एम का मान कितना है तो आप बोलेंगे व्यक्ति प्रतिदिन घंटे काम काम करते करते हुए दिन अगर हैं तो तीन यूनिट काम करते हैं या तो ऐसे कर लो ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो दोनों ही तरीके आपके पास है इधर मैं लिखूंगा ना तो बताइए पच्चीस व्यक्ति अगर काम करें तो पच्चीस व्यक्ति आप कहेंगे प्रतिदिन छह घंटे काम करते हुए अगर पांच यूनिट कार्य पूरा करना चाहें तो कितने दिन उनको काम करना पड़ेगा कितने दिनों की आवश्यकता होगी अगर वो पांच यूनिट काम करना चाहें ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं आपके पास दोनों ही तरीके हैं दोस्त आप कहेंगे ना गुरु जी यहां से कितनी बार कटेगा ना छह बार यहां से अगर मैं काटूंगा तो कितनी बार कटेगा ना पांच बार नीचे की संख्या गायब हो गई बराबर की संख्या बराबर की संख्या को या तो देखो अगर कोई गरीब है तो फिर बोल रहा हूं कितना होगा ना भाई दस तो आठ दुनी कितना सोलह तो ऐसे भी तुम कर सकते हो उठा के भाग भी लगा सकते हो आठ दुनी सोलह बराबर क्या हो जाएगा ना भाई डी टू उत्तर बताइए कितना नंबर बनेगा तीन नंबर क्लियर है सबका सवाल है बहुत शानदार शानदार सवाल आप लोगों के सामने रख रहा हूं चीज आपको यही ध्यान रखनी है जो शुरू में मैंने कहा है कि M1, D1, H1, बराबर, M2, D2, H2, आपको बना देना अगला सवाल आप देखिए तीस पुरुष प्रतिदिन आठ घंटे काम करके सोलह दिनों में तालाब खोद सकते हैं अगर इसी जगह पुरुष प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे कि 20 दिनों में दो समान तालाब खोद दें? सवालों को पढ़ते वक्त ध्यान से पढ़ना है तालाब खोदना एक कार्य है तालाब खोदना एक वर्क है यहां देखो पहले खोद रहा है एक तालाब और इधर कह रहा है दो तालाब खोदने हैं इसका मतलब W1 का जो मान है ये W1 का मान है और ये W2 का मान है पहले एक तालाब खोद रहा था दो तालाब खोद रहा है बाकी आपको कुछ नहीं करना है वही तरीका तुम क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या अगर किसी को दिक्कत नहीं हो तो मल्टीपल होता है बाद, वाले के, साथ। बाद वाला पहले के साथ और पहला वाला कार्य मल्टीपल होता है ऐसा कह सकते हैं अगर किसी को दिक्कत हो तो फिर ऐसे बना लेना दोनों तरीके आप लोगों को बता रहा हूं भाई आप मुझे बताएंगे M1 का मान कितना है तो आप बोलेंगे M1 का मान है यहां 30 क्योंकि आदमी वही है 30 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 16 दिन में काम करते हैं तो बाद वाला कार्य W2 का वैल्यू कितना है भाई इधर दो है और W1 का वैल्यू कितना है एक है तो या तो इस दो का यहां भाग ये एक का यहां भाग लगा दो और या फिर बाद वाले के साथ इसको मल्टीपल कर दीजिए चीज ये मैं इधर दो से मल्टीपल कर देता हूं क्योंकि W2 का मान दो है M2 का मान कहता है बत्तीस पुरुष तो 32 टू बत्तीस पुरुष अगर D2 कितने दिन में बीस दिनों में कितने घंटे काम करें 20 दिन काम कर रहे हैं कितने दिन कितने घंटे पर डे काम करें तो H2 की वैल्यू हमें पूछी है और W1 की वैल्यू देखना है और W1 की वैल्यू देखेंगे तो एक होगा आप जितना काट सकते हैं उतना काट दीजिए उत्तर आ जाएगा अगर यहां से काटूंगा ना भाई देखो एक एक तो दूनी होता है, एक ये होता है ना, कि तीस गुना आठ गुना सोलह गुणा दो और बटा मेरी गणित कहती है कि जिसका मान चाहिए वो अकेला रहेगा ये अकेला रहेगा उठा के भाग लगा देंगे तो आप कहेंगे बत्तीस गुना कितना हो जाएगा ना तो भाई आप बोलेंगे बीस यही बनेगा कि नहीं बनेगा काटना आज नहीं तो परीक्षा में आपको है जैसे भी आप काटते हैं मेरे अकॉर्डिंग आप यहां से कह सकते हैं सोलह दुनी बत्तीस या सोलह दुनी बत्तीस से बत्तीस गया ये लो सोलह दुनी बत्तीस से बत्तीस कट गया जीरो से जीरो कटा है यहाँ चार तीन कितना हो जाएगा बारह इसका मतलब उसको बारह जो है वो प्रतिदिन काम करना पड़ेगा और 12 घंटे प्रतिदिन काम करने का मतलब उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा हार्ड वर्क अगर वो करेगा तो आराम से उत्तर बना पाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा <coughs> अगर छह आदमियों को दस एकड़ जमीन जोतने के लिए पंद्रह दिन की जरूरत होती है तो पंद्रह आदमियों को पचास एकड़ जोतने के लिए कितने आदमी पंद्रह दस दिनों में पचास एकड़ जमीन जोतने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी सवाल देखिए भाई कहाँ पूछा गया है सवाल पूछा गया है दो हजार बीस में ठीक है यही है हाँ अभी इथेश कुमार बोल रहा है दे दो बिटिया जी आपका दिमाग और जबकि वो दिमाग से है ना खाली पड़ी है पहले से है भाई उसकी मेमोरी में कुछ नहीं है तू क्या सोच रहा है उसकी चिप में जो है वो तेरे में डाउनलोड कर लेगा तू कमी नहीं है पढ़ने में ध्यान नहीं देते छह आदमियों को दस एकड़ जमीन जोतना है सर यहां से दस एकड़ जमीन जोतना जो है ना वो कार्य है तो W1 है ये जमीन दस एकड़ जमीन ही कार्य है और पचास एकड़ जमीन भी यहां क्या है कार्य है आपको कुछ नहीं करना है M1 D1 बटा कर दो और बराबर M2 D2 बटा कर दो ठीक है हाँ जी आप कहेंगे यस मुझे एक बात बताओ छह आदमी तो आप बोलेंगे छह आदमी डी वन की बात कर रहा है तो पंद्रह दिन की जरूरत पड़ती है कितना एकड़ खेत जोतने में दस एकड़ खेत जोतने में आगे कहता है एम टू कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी मतलब आपको एम टू की वैल्यू पूछी है तो कितने आदमियों को मैं काम में लूं ताकि वो दस दिनों में कितना एकड़ खेत जोत दें यहां पचास एकड़ खेत जोत दें हल कर दो तो आंसर आ जाएगा भाई ऐसे भी कर सकते हो उसके हिसाब से भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगी सर जीरो से जीरो तुम काट देंगे ना या तो तुम यहां से मल्टीपल कर दीजिए ऐसे काट लीजिए काटना चाहो तो पांच तीन पंद्रह और पांच दूनी कितना होगा भाई दस दो होगा ना क्रॉस मल्टीपल करो इसको इससे गुणा कर दो इसको इससे गुणा कर दो ये तो हो जाएगा भाई एम टू और कुछ नहीं बचेगा इधर तीन पंजे देखो तीन गुणा तीन और गुणा कितना होगा पांच और नौ पंजे कितना होगा भाई पैंतालीस नौ पंजे पैंतालीस का मतलब उत्तर बोलो कितना आ जाएगा एक नंबर उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ गई है क्लियर है भाई हाँ प्रिंस बोल रहे हैं आपके दिमाग में दिमक लगे हैं तेरे में तो भाई साहब बड़ा जो है काजू बदाम खिल रहे हैं गजब बात करते हो आगे देखिए भाई दस पुरुष दस पुरुष दिन में सात घंटे काम करके किसी काम को बारह दिन में समाप्त कर सकते हैं चौदह पुरुष एक दिन में छह घंटे काम करके इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे हमें पूछा गया है ठीक है सर कह रहा है ना कि दस पुरुष दिन में सात घंटे अगर प्रतिदिन काम करते हैं तो किसी काम को बारह दिन में कर देते हैं कहता है अगर चौदह पुरुष काम पर लगाए जाए और छह घंटे प्रतिदिन काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा हमसे पूछा है आपको भी पता है भाई एम वन डी वन एच वन तो एम वन डी वन एच वन बराबर एम टू चौदह है एच टू छ है डी टू फाइंड आउट करना है भागा यहां से काटना शुरू कर दीजिए यहां से मैं कहूंगा ना भाई सात दुनी कितना ये सात है सात दुनी कितना होगा ना चौदह और छत्नी कितना होगा ना बारह बराबर कितना हो जाएगा भाई डी टू दस उत्तर बोलो कितना आ जाएगा दस उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी उत्तर सी आप लोगों का आ गया है कहां पूछा है एस एस सी सी पी ओएसआई में पूछा है भाई ये एस एस सी सी पी ओएसआई दो हजार उन्नीस में पूछा है तो पहली बात तो ये है सर एक साइकोलॉजी आप बदलिए इस गणित में जब तुम एस एस सी एम टी एस का सवाल बना रहे हो एस एस सी सी एच एस एल का बना रहे हो एस एस सी सी पी एस आई का तुम बना रहे हो सी जी एल का तुम बना रहे हो तो फिर जी डी कहाँ रह जाएगी तुम अंगुलियों पे सवाल करके आओगे वैसे कॉन्फिडेंस में रहो सर ये गणित में थोड़ा सा अगर मैं लेवल और अभी तो क्या है जी, जीडीओ डीआरडीओ के लेवल में पढ़ा रहा हूं अगर मैं थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दूंगा ना इसका जैसे रेलवे वाले बच्चों को पढ़ाऊंगा तो जैसे ही रेलवे वाले लेवल में उतर जाऊंगा आप सीजीएल आराम से दीजिए सीपीओ आराम से दीजिए सी एच एस एल दीजिए कहीं रुकने की कोई जरूरत नहीं होगी आराम से तुम बना पाओगे अगला सवाल देखिए भाई थोड़ा सा ही लेवल आपको और यहाँ मेंटेन करना पड़ेगा बहुत कुछ अच्छा सीख जाओगे यदि 45 व्यक्ति एक दिन में आठ घंटा कार्य करते हुए किसी कार्य को दस दिन में पूरा कर सकते हैं तो प्रतिदिन नौ घंटा कार्य करते हुए वे, कितने व्यक्तियों को उसी कार्य का दो तिहाई बीस दिन में पूरा करना पड़ेगा मतलब ये अच्छा सवाल है भाई आराम से सोचिए फिर दीजिए जवाब ठीक है अच्छा सा सवाल है आराम से सोचिए इतने सारे सवाल मैंने दिए हैं तो यकीनन आप इस सवाल का भी जवाब अच्छा ही दे देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी फटाफट दीजिए और सबसे पहले क्लास को है ना तुम ये चलते चलते एक तो लाइक कीजिए सारे लोग गलत बात है ये और पहले शेयर भी कर दिया करो मैं देख रहा हूं तुम शेयर ही नहीं करते हो गजब बात है भाई देखिए अरे भाई तू कहां गया यदि पंद्रह व्यक्ति पैंतालीस व्यक्ति आठ घंटे काम करते हुए किसी काम को अठारह दिन में पूरा करते हैं मैं अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो आज पहली बार पढ़ रहा है वो जो है पैंतालीस एम वन डी वन एच वन w1 जो पहली बार बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए मैं लिख रहा हूं यहां भाई 45 व्यक्ति तो m1 45 है 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो d1 का मान 8 h1 का मान 8 घंटे है 18 दिन में पूरा करते हैं तो d1 का मान 18 है किसी काम को मान लो वो काम एक है पहली बात आगे कहता है ना भाई m2 d2 h2 और w2 कहता है तो प्रतिदिन 9 घंटे तो h1 का मान कितना है 9 कितने व्यक्तियों को उसी काम पर लगाएं ये इसका मान ज्ञात करना है कि 20 दिनों में तो D2 का मान 20 हो जाएगा तो आप कहेंगे गुरुजी D2 का मान जो है वो 20 होगा दो तिहाई भाग उस कार्य का पूरा कर दें तो W2 का मान दो बटा तीन है ये उन लोगों के लिए लिखा है जिनको कुछ चीजें कम समझ में आती हैं आप यहां से अलग अलग अब मुझे लगता है और नहीं समझाना पड़ेगा आप लोगों को सब कुछ समझा दिया है तो कुछ मुझे बताएंगे भाई एम वन डी वन एच वन बटा क्या लिखते हो W1 बराबर आप कह सकते हो भाई एम टू डी टू एच टू बटा क्या लिखोगे W2 टू बोलो हाँ या ना आप कहेंगे यस सर वैल्यू फिर से पुट करते जाइए देखते जाइए 45 व्यक्ति तो आप कहेंगे 45 व्यक्ति D1 बोले तो 18 दिन में कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं भाई आठ घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो कोई एक कोई काम करते हैं मैंने एक मान लिया जब भी बात भिन्न की आती है वैल्यू हमेशा एक के बराबर होती है आगे कहता है कितने आदमी काम पर लगाए भाई कि नौ घंटे प्रतिदिन काम करते हुए अगर बीस दिन में काम करते हैं तो दो बटा तीन काम पूरा कर लेते हैं बहुत अच्छा सा सवाल दिया है अगर जो लोग थोड़े से टैलेंटेड हैं वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस डब्ल्यू को यहां मल्टीपल कर सकते हैं और उसको यहां मल्टीपल कर सकते हैं तो और जल्दी हो जाएगा जो दिमाग से गरीब हैं वो ऐसा भी बना सकते हैं मुझे कोई ये बताएगा कि यहां से देखो कितनी बार कटता है आप बोलेंगे दो बार कटता है नौ दुनिया अठारह इसको क्या दिक्कत है नौ दुणी कितना हो जाएगा अठारह या फिर तुम हम्म या तो ऐसा कर लीजिए या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो यहाँ दो जो काटेगा ना इसको कहीं कहीं तो ऐसे भी है दो को दो से काटती है ये वाला दो काटते थे अभी कमीने दो नहीं है, ये M2 है, तो यहाँ कितनी बार कट जाएगा दस बार इसको उठा के ऊपर ले जाओ भाई याद रखना अगर मेन बट्टा के ऊपर एम है दो बट्टा तीन है तो ये तीन हमेशा ऊपर चला जाता है ये ध्यान रखना तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं अगर किसी को दिक्कत हो तो पैंतालीस गुणा अठारह गुणा आठ बराबर उन लोगों को समझा रहा हूं क्योंकि कई लोग सिर्फ इस मकसद से आते हैं कि कांजी सर पूरी बात समझाते हैं एक की एक ये तीन ऊपर चला जाएगा और उनकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है जो उन लोगों को आता है वो ऐसे मत करना बिल्कुल भी गलत बात है तुम जगह की जगह सवाल को खत्म करना ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनको कुछ चीजें नहीं आती है वो मेरे से ये उम्मीद करते हैं कि कांजी पूरी बात बता देंगे तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ भाई तो आप बोलेंगे पैंतालीस गुना फिर धीरे धीरे तुम प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आप लोगों के लिए अपने आप धीरे धीरे सही होने लग जाएंगी कोई दिक्कत नहीं होगी इसको काट लीजिए तुम खुद से काटना मैं चाहूंगा कि तुम ऊपर से ऊपर हल करो दो का भाग दिया तीन ऊपर चला जाएगा या फिर ऐसे कर लो इधर मल्टीपल भी कर सकते हैं इसको काट सकते हैं यहां से तुम काट सकते हो नौ दुनी कितना होगा भाई अठारह यहां से होगा पंद्रह तीन कितना हो जाएगा भाई पैंतालीस यही होगा कि नहीं होगा यहां से काटूंगा पांच दुनी दस और पाँच तीन पंद्रह और पाँच दूनी कितना दस दो से दो कट किया आठ दिया कितना होगा चौबीस और चौबीस बोले तो उत्तर क्या आएगा एक नंबर बोलो हाँ या ना लेकिन क्या आपको लगता है एग्ज़ाम में ये किया जाना चाहिए नहीं भाई एग्जाम में ये नहीं किया जाना चाहिए एग्ज़ाम में तुम सवाल को सवाल से ही ख़त्म करो बराबर की संख्या बराबर में काटो अगर फिर भी तुम चाहते हो तो मैं एक राय आपको यही दूंगा लिखते वक्त ही आप इतना अच्छा लिखो आप ऐसे लिखो एम वन डी वन बाद वाला कार्य पहले के साथ और पहला जो कार्य होता है ना भाई वो पहला कार्य बाद वाले के साथ होता है बस ये समझ लो तुम फिर थोड़ा और जल्दी हो जाएगा एक अच्छे स्टूडेंट की यही पहचान होती है कि वो इसी तरीके से करता है ये सब उनके लिए बता रहा हूँ जो करने की कोशिश इन दिनों में कर रहे हैं परीक्षा में ये सब नहीं करना होता है दोस्त आगे चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए भाई कितने लोग बना देते हैं देखते हैं एस एस सी दो हजार उन्नीस के सर अब जितने भी सवाल हैं आगे मैं इनको थोड़ा सा सीधा करूंगा अब मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ चीजें हैं वो बता दिया है ठीक है भाई अगर मान लीजिए अब इससे ज्यादा आप लोगों के यही ही चलती रही तो भरोसा रखिए मैं एक एक कोर करके उन सब लोगों को ब्लॉक कर दूंगा सब लोगों को ब्लॉक कर दूंगा अगर पढ़ना है चुपचाप पढ़िए लेकिन बंद हो जाइए भाई ठीक है प्रतिदिन आठ घंटे प्रतिदिन काम करके छत्तीस लोग किसी कार्य को तीन इकाई बारह दिन में कर सकते हैं क्योंकि एक चीज मैं बता दू भाई तुम सब लोग जो है ना इंस्टाग्राम चलाने वाले जो लोग होते हैं ना वो यहाँ आके कोई ऐसा नहीं कर रहा होता है आपकी गलत फहमी है तुम सबको लग रहा है कि मेरी परीक्षा है और परीक्षा के दिनों में मैं पढ़ूंगा तो तुम पढ़ने के मकसद से यहाँ जुड़ते होंगे आज के दौर में इतना बच्चा जो होता है ना वो खाली कभी नहीं हो सकता कि वो गणित की क्लास में जो है ना वो आके गणित के लिए मोबाइल उठाए वो और फिर केवल मजाक के लिए उठा ले कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि फालतू में लोग पढ़ते नहीं है वहां तो कमेंट ही कमेंट चलते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे होते होंगे यकीन आप जितने भी लोग जुड़े हैं सब पढ़ने ही पढ़ने वाले हो पक्का ठीक है लेकिन कुछ जो है ना पढ़ने के साथ साथ जो मजे ले रहे हैं ना अब तुम मजा लेना बंद कर दीजिए नहीं तो तुम्हारा मजा मैं ले जाऊंगा ध्यान रखना आठ घंटे प्रतिदिन कार्य करके छत्तीस लोग किसी कार्य को तीन इकाई यहाँ तीन इकाई जो है ना भाई W1 है ये ध्यान रखना बारह दिनों में कर सकते हैं यदि वे छह घंटे प्रतिदिन काम करें और सोलह दिन में इस काम को करें तो पांच इकाई काम कितने दिन में करेंगे डब्लू टू होगा क्या ये सवाल रिपीट तो नहीं हो गया अगर हुआ तो ठीक है नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं आप यही कहेंगे भाई एम वन डी अब मैं सीधा कर रहा हूं भाई डब्लू बराबर आप कहेंगे गुरु जी एम टू और बटा डब्लू या

छह घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं डब्लू वन जो है ना वो हमें कितना दिया है भाई तीन दिया है तो तीन से मल्टीपल करना है हल कर दो आंसर आ जाएगा कुछ भी नहीं है हल कर दो आंसर आ जाएगा भाई ठीक है अनुर मचाइए और कुछ नहीं है छह तीन अठारह और अठारह दूनी छत्तीस ये कट गया यहां से क्या होगा सर आठ दूनी सोलह सोलह से सोलह कट गया बारह पंजे साठ बराबर क्या हो जाएगा भाई एम उत्तर होगा हाँ या ना बताइए भाई ये मास्टरानी बिटिया भी भाई कम नहीं है मैं जानता हूँ ठीक है अभी चुपचाप ऐसा नहीं है छोरों को पढ़ने दें और खुद भी पढ़ें फालतू में किसी ने किसी को चल, चलते चलते है ना कोई ना कोई कह जाती है चुपचाप पढ़िए ना कैसे हैं आप घर चले जाइए इनके घर जाके पूछ लीजिए चाय वाय पी के आ जाइए प्रिया सिस्टर के क्या कैसी हैं वो पूछ लीजिए इनसे कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए और बोल दीजिए कि चलिए आपके चाय यहाँ पीने आ जाते हैं कैसे हैं और प्रिया सिस्टर जी अब आपको बताएंगे कि वो कैसे हैं गज़ब बात करते हैं आप बताइए सोलह आदमी पंद्रह दीवारों को पैंतालीस दिन में पेंट कर सकते हैं बीस आदमी बीस दीवारों को कितने दिन में पेंट कर लेंगे हमें बताना है भाई देखो एक बार पंद्रह दीवार जो है ना भाई यहां W1 है ये एक वर्क है ध्यान रखना पंद्रह दीवार जो है वो कार्य है प्लीज इस चीज को देखना ये W1 है और बीस आदमी बीस दीवारों को काम बीस आदमी बीस दीवारों को तो ये जो है वो आपका क्या है भाई W1 है और कुछ भी नहीं है तो आप कहेंगे भाई M1 D1 डी वन बट्टा कर दूं या W2 को यहां मल्टीपल कर दूं वर्क हमेशा मल्टीपल होता है इधर आप कहेंगे भाई M2 D2 और W1 ऐसा ही होता है कि नहीं होता है आप बोलेंगे यस सर देखिए एक बार M1 का वैल्यू कितना है तो आप बोलेंगे सोलह डी का वैल्यू कितना है तो आप बोलेंगे पैंतालीस डब्लू टू जो है ना बाद वाला कार्य पहले के साथ पहला कार्य बाद वाले के साथ तो मल्टीपल करेंगे बीस बराबर बोलिए कितना होगा तो आप बोलेंगे बीस है कि कितने दिनों में कर देंगे तो D2 हमें पूछा है W1 बताइए कितना होगा तो आप बोलेंगे 15 उम्मीद करते हैं आप इसको आगे हल कर पाएंगे बिना किसी समस्या के बहुत आसान तरीके से सीधा सीधा मैं बता रहा हूं यही कह रहे हैं भाई ठीक है यहां से देख लीजिए भाई ये 20 20 है क्या दोनों में 20 आदमी 20 दीवारों को ठीक है ये कट गया है पंद्रह दूनी कितना होगा पंद्रह तीन कितना होगा पैंतालीस सोलह कितना होगा अड़तालीस बराबर कितना होगा डी टू बताओ उत्तर अड़तालीस आया है क्या मुझे एक बात बताइए ये भी सी एच एस एल दो हजार बाईस का सवाल है जी डी में एक आधा एक आधा सवाल जो है ना आप लोगों को इस तरह से मिलना बहुत पक्का कन्फर्म है मैं कितना आसानी से सवालों को बना रहा हूं आप सोचिए जब भी मुझे बनाना होता है ना भाई मैं गारंटी से कहता हूं मैं आपकी जगह जब भी कोई सवाल हल करके देखता हूं मैं इसको लिखता ही नहीं हूं मैं यही लिखता हूं और एक ही लाइन में इससे सवाल का जवाब दे देता हूं तुमको सिर्फ यही बात होगा भाई और वो ये कि एम वन डी वन बाद वन डब्लू टू कार्य पहले के साथ और पहला कार्य बाद के साथ <laughs> देखिए आगे देखिए कोई बात नहीं एस एस सी सी एच एस एल दो हजार बाईस का फिर से सवाल है पांच व्यक्ति पांच दिन में पांच मेज बना सकते हैं यहां सर मेज बनाना जो है ना वो कितना है भाई W1 है मेज बनाना अपने आप में कार्य है 25 व्यक्तियों को 25 मेज बनाने में तो 25 मेज बनाने का मतलब W2 टू यहां कार्य कितना समय लगेगा वही आप लोग कहेंगे ना भाई M1 D1 W1 W2 यही बनेगा भाई W1 अगर घंटे में वर्क दिया है तो आप उसे लिख सकते हैं बाद वाला पहले के साथ पहले वाला बाद के साथ आप कहेंगे भाई पांच व्यक्ति पांच दिन में w2 बाद वाला कार्य पहले लिखिए इसके साथ लिखिए m2 m2 का मान 25 है कितना समय लेंगे d2 हमें फाइंड आउट करना है गुणा w1 का मान जो है इधर पांच है तो w1 बाद वाला पहले के साथ लिखिए जितना कटे उतना काट दीजिए ना यही होगा कि नहीं होगा पांच पांच पच्चीस से पच्चीस कट गया इधर कितना होगा पांच बराबर कितना हो जाएगा डी टू उत्तर जो होगा वो पांच दिन होगा उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी पांच ही उत्तर तुम दिए होंगे बहुत शानदार अच्छा आप कर पा रहे हैं बहुत आसान आसान तरीके से जैसा कि आपको पता है तैयारी का बूस्टर डोज चल रहा है आज पांचवा डोज हम ले चुके हैं ठीक है हाँ जी ये ध्यान रखिए कांजी के मंत्रालय द्वारा आप लोगों को दिया जा रहा है फ्री में किसी को कोई चार्ज नहीं है कोई आधार कार्ड नंबर आपको नहीं चाहिए ये रोज का एक डोज आप लीजिए बूस्टर डोज ये आपकी दिमाग की इम्यूनिटी को मजबूत करेगा और परीक्षा में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम आएगा सर ठीक है पांचवा डोज आप लोगों को दिया जा चुका है याद रखिए आपके कांजी भैया के मंत्रालय से यह सब कुछ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है रोज डोज लीजिए लेकिन एक डोज लेने में दो घंटे लगते हैं दो घंटे रोज जो है पांच बजे से सात बजे तक ये डोज लीजिए आप ठीक है भाई यही होगा कि नहीं होगा हाँ टेलीग्राम बार बार बोलता हूं कई कई लोग तो पक चुके हैं टेलीग्राम पे जाइए टीसीएस एग्जाम जोन क्योंकि मैं इसलिए बता देता हूं पकने की जरूरत नहीं है बीच बीच में कई कई टाबर आते हैं जिनको विचारों को पता नहीं होता है तो उनको बोलना पड़ता है ठीक है टेलीग्राम आप चैनल है इसको ज्वाइन कर सकते हैं एट द रेट टी एग्जाम जोन आ जाइए सर नेक्स्ट पर आइए एस एस सी सी एस एस एल दो हजार बाईस का फिर से सवाल आया है ठीक है हाँ जी ये कौन है भाई कालू का चाचू हाँ कांजीबाबा बाबा के डोज है सर देखिए भाई बिल्कुल सर आपका एप्लीकेशन कब तक आएगा भाई एप्लीकेशन तो आ चुका है यूपीएससी स्टेटस ठीक है एप्लीकेशन तो आ चुका है अब मैं आप लोगों को प्रोसना में कोई थोड़ा सा कंजूसा ही कर रहा हूँ बस उसको आपके सामने प्रोसना है बीस कार्यकर्ता एक चीज थोड़ा सा भरोसा रखो मैं जो कर रहा हूँ बहुत सोच समझ के और बहुत सोची समझी रणनीति के साथ में कर रहा हूं तो अगर मैं आपके सामने अभी एक तारीख को आ चुका था मेरे पास डिलीवरी इकतीस को ही कर चुके थे इकतीस को ट्रेनिंग हो गई थी फिर भी अगर मैं आपको सामने नहीं लेके आया हूं तो कोई रीजन है भरोसा रखिए सब कुछ ठीक होगा बीस कार्यकर्ता छत्तीस दिनों में चौबीस दीवारों को पेंट कर सकते हैं आगे कहता है 30 कर्मचारी 20 दीवारों को कितने दिन में पेंट करेंगे तो इसका मतलब ये दीवार पेंट करना जो होता है ना ये वर्क होता है W1 और इधर दीवार पेंट करना जो है वो क्या है भाई W2 आप लोगों को सिर्फ इतना ही काम करना है M1 D1 W2 बराबर आप कहेंगे भाई M2 D2 W1 और कुछ नहीं करना है आप कहेंगे 20 गुणा D1 का मान कितना होगा भाई 36 और W2 का जो मान होगा वो कितना होगा भाई 20. बराबर M2 का मान कितना होगा तो आप बोलेंगे 30 कर्मचारी हैं D2 कितने दिनों में पेंट करेंगे यहां W1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी नहीं है दिया है D2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कुछ भी नहीं है काटा पीटी मचाइए आंसर आप आराम से निकालेंगे बीस और इधर बीस था भाई ठीक है ओके 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 काटा पीटी मचाइए आराम से आप आंसर निकाल पाएंगे ठीक है ललित कुमार गलत बात है अब रुकजा बारतीय छत्तीस और बारह दुणी चौबीस यही होता है कि नहीं होता है तुम जीरो से जीरो के होगा तो आप बोलेंगे बीस एक नंबर आपका आंसर बनेगा धीरे धीरे अब डोज बढ़ने लग गया है धीरे धीरे डोज बढ़ाऊंगा देखते जाता चलते जाना एस एस सी एम टी एस दो हजार इक्कीस का सवाल आप लोगों के सामने रखा जा रहा है एस एस सी जी डी का मिथिला के हम मिथिलावासी एस जीडी का क्वेश्चन दीजिए सर 2022 में एस एस का एग्जाम नहीं हुआ है मैं ज्यादातर कोशिश कर रहा हूँ कि वो सवाल दूं जो आपकी जीडी में रिपीट हो सकते हैं भरोसा रखिए 2021 की जीडी के आधार से ही सारे सवाल दे रहा हूं मैं आगामी सवाल दे रहा हूँ जो रिपीट हो सकते हैं 2021 की जीडी का सवाल रिपीट नहीं होगा जो 2021 जीडी में आ चुका है वो दोबारा नहीं आएगा दोस्त पैटर्न में वही रख रहा हूं उसी पैटर्न से रख रहा हूं ये सब सवाल मुझे लगता है ये जीडी में रिपीट हो सकता है वो आपके सामने में रख रहा हूं इसलिए 2021 जीडी का सवाल आप लोगों को देने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो रिपीट नहीं होगा 24 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं प्रतिदिन दस घंटे काम करके छत्तीस व्यक्ति कितने दिनों में मात्रा को दोगुना करने में सक्षम होंगे मतलब दोगुना कार्य आपको करना है भाई तो यहां ध्यान रखना डब्लू की वैल्यू जो है वो दोगुनी है अगर ये कह देना दुगुना तिगुना तो इसका मतलब वो W2 बन चुका है किसी कार्य को कोई कार्य मान लीजिए वो एक है तो इस प्रश्न में सर W1 और W2 आपको सोचना पड़ेगा W1 अगर आप एक मानोगे तो W2 टू एटोमेटिक होगा दो क्योंकि कहता है दुगुनी मात्रा को करने में सक्षम होंगे मतलब अगले ने चालाकी से यहां किसकी बात कर ली है सर वर्क की बात कर ली है ठीक बात है 24 पुरुष 12 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं आप यही कहते हैं M1 डी वन एच वन बर डब्लू टू बराबर आप कहेंगे भाई एम टू डी टू एच वन और डब्लू टू डब्लू वन जो होता है यहाँ डी एच टू है भाई बाद वाला वन डब्लू पहले के साथ और पहला बाद वाले के साथ आप कहेंगे गुरुजी जी यहाँ हो जाएगा ना कि चौबीस आदमी बारह घंटे प्रतिदिन काम करके पंद्रह दिन में डब्लू टू आपको लिखना है भाई और डब्लू टू कितना दिया है ना दो दिया है तो गुणा दो बराबर एम टू छत्तीस व्यक्ति तो कहता है छत्तीस व्यक्ति अगर प्रतिदिन दस घंटे काम करते हैं तो यहां कहता है एच डी टू का वैल्यू हम हमें फाइंड करना है डी टू कितना होगा अगर एच वन डब्लू वन कितना है एक है वैल्यू पुट कर दिए हैं बस काटा पीटी जाएगा भाई ज्यादा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से बारह कितना होगा आप कहेंगे गुरु जी छत्तीस होगा यही होता है कि नहीं होता है यहां से अगर काटूंगा तो पंद्रह दूनी तीस और दस तिया तीस इधर जो होगा ट्वेंटी फोर बराबर किसके होगा भाई डी टू के उत्तर जो होगा वो ट्वेंटी फोर होगा उम्मीद करते हैं सबका उत्तर यही आया है डी सी ही आपका उत्तर बना होगा क्लियर है किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए भाई उम्मीद करते हैं सबको मेरी कहानी समझ आई है सबको यह भी पता चला है कि यह कैसे बना है क्या बना है अगला सवाल देखिए सर ध्यान रखिए पैसे कमाना भी अपने आप में कार्य है ध्यान एल दो हजार इक्कीस का सवाल है दो हजार बाईस का सवाल है इसका मतलब ये सवाल आपकी परीक्षा में रिपीट होने लायक है दो हजार बाईस के सवाल ज्यादातर मैंने ये सोच सोच के दिए हैं भाई कि ये सवाल आपके रिपीट हों पंद्रह लड़के पांच दिनों में नौ सौ रुपए कमाते हैं बीस लड़के सात दिनों में कितना कमाएंगे हमें कह रहा है सर यहां पैसे कमाना भी अपने आप में कार्य है पैसे कमाना कार्य है इसका मतलब आप कहिए भाई कि डब्लू वन आपको दिया है कितना कमाएंगे कितना कमाएंगे मतलब डब्लू टू आपको पूछा है यही होगा कि नहीं होगा ध्यान रखें कार्य पैसे कमाना अपने आप में कार्य है तो आप कहेंगे पंद्रह आदमी पांच दिन में कितना रुपया कमाते हैं डब्लू टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऐसा ही होता है ना कि एम वन डी वन डब्लू टू बराबर होता है एम वन एम टू डी टू और डब्लू वन यही होता है कि नहीं होता है तो आप बोलेंगे हाँ गुरु जी यही होता है पंद्रह गुणा पांच बराबर डब्लू टू बराबर इधर एम टू कितना है बीस सात लड़के हैं और नौ सौ रुपया है या तो तुम भाग लगा दीजिए और भाग नहीं लगाना चाहो तो बाद वाला कार्य पहले के साथ पहला कार्य बाद के साथ मल्टीपल कर लीजिए सर इसका उठा के भाग लगा सकते हैं आप मैं तो कहूँगा पंद्रह सिग्गी नब्बे और बारह पंजे साठ यही होगा कि नहीं होगा या तो आप ऐसे कह दीजिए या फिर आप मल्टीपल कर लीजिए एक वाला है क्या कोई 1680 मेरे अकॉर्डिंग आ गया मैंने माइंड में ही कैलकुलेशन कर दिया सोलह ओके, ओके ओके देखो क्या हुआ है अगर आप लोगों को W2 चाहिए कोई बच्चा अगर दिमाग से गरीब है तो ऐसा कर सकता है बीस गुणा सात गुणा हो जाएगा ना पंद्रह पांच होगा हो काटिए आराम से उत्तर दीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा अगर मैं यहां से काटूंगा तो पंद्रह छह कितना हो जाएगा भाई नब्बे यही बनेगा यहां से अगर काटूंगा तो बीस बारह पंजे कितना होगा साठ बारह

बटा W1 बराबर एम टू डी टू एच टू बटा डब्लू टू क्रॉस मल्टीपल करने पर W2 बाद वाले के साथ पहले के साथ और W1 बाद वाले के साथ मल्टीपल हो जाता है भाई ठीक बात है आगे देखिए अब यहां तक तो हो गया सवाल ठीक है ये तो हो गया एक पैटर्न के अब आते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे बात करते हैं एस एस सी एम टी एस दो हजार इक्कीस का मैं थोड़ा सा पानी का घूंट ले लेता हूं ठीक है देखिए भाई एक घंटे की क्लास में एक पेज भी नहीं भरा आज तो है ना और मतलब आप लोग को लगा एक अब सोचिए कितने सवाल पता है करवा चुका हूं मैं चौबीस मतलब है, मैं सवाल दे चुका हूं बीस सवाल हम कर चुके हैं सर कंप्लीट आप बीस सवाल आज की क्लास में कर चुके हैं सोच के देखिए बीस सवाल आप कंप्लीट कर चुके हैं और आपने एक पन्ना नहीं भरा बीस सवालों में आपने एक ही पन्ने में मतलब एक पन्ना राम कह रहे हैं नहीं भर पाए हैं सोच के देखिए इतना आप थोड़ा सोट से कितने सवाल बना रहे हैं कितना सोट से सवाल बना है कालू की चाचू कह रहे हैं बिटिया नाराज हो गए अरे भाई कालू का चाचू तू कभी कालू का मतलब चाचू ही बना रहेगा या फिर कुछ और भी बनेगा बिटिया नाराज हो गई इतनी देर से तो वो चुप हुई है और अब बिटिया नाराज हो गई घर वाले सोच रहे हैं छोरा कोई जी डी में लगेगा कोई फौजी बनेगा है और तुम यहाँ कमीने कालू के चाचू बने बैठे हैं देखो सब आइए सर अगला सवाल देते हैं पंद्रह पुरुष किसी काम को बारह दिनों में और अठारह महिलाएं पंद्रह दिनों में कर सकती हैं पांच पुरुष और तीन महिलाएं किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे चीज बदल गई है कालू के चाचू ध्यान से पढ़ इसको चीज बदल गई है पंद्रह पुरुष किसी काम को बारह दिन में और अठारह महिलाएं किसी काम को पंद्रह दिन में कर सकती हैं सर एक ही चीज एक ही चीज ध्यान दीजिए यहां एक ही प्रश्न में अब दो तरह की चीजें आ गई है यहां कहता है ना यहां तो बात हो गई पुरुषों की और यहां बात हो गई महिलाओं की अब आप लोगों के पास इफिशियंसी जरूरत है अब आप लोगों को दक्षता पता होना जरूरी है यहां ध्यान रखें पुरुष वह महिला पुरुष व महिला की दक्षता पुरुष व महिला की दक्षता पता होना जरूरी है पुरुष व महिला की दक्षता पता होना जरूरी है इस चीज को प्लीज आप ध्यान रखेंगे यहां और कुछ नहीं है अगर एक ही पर्सन में दो चीजें दिमाग में आए कभी भी दो चीजों की बात आए भाई दिमाग में ही कर रहे हो कितनी अच्छी बात है अगर दो अलग अलग कैटेगरी के, के लोग आते हैं जैसे पुरुष महिला आ गया है लड़का और लड़की आ गया है तो उस कंडीशन में हमारे पास दक्षता होना जरूरी है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको सीखे अब अच्छी अच्छी चीजें शुरू होंगी कहता है भाई कि पंद्रह पुरुष किसी काम को बारह दिन में कर सकते हैं मान लो मैं एक ऐसे समझाता हूं कि ये कोई खेत है पूरा अगला कहता है कि अगर पंद्रह पुरुष आप काम पे भेजते हैं ना तो पंद्रह पुरुष ये काम कर देते हैं बारह दिन में लेकिन यही खेत अगर अठारह महिलाओं को काम पर भेजते हैं तो 18 महिला इसी खेत को कितने दिन में कर देती है 15 दिन में कर देती है कोई मुझे यह कहेगा क्या कि 15 पुरुष 12 दिन में यही खेत कंप्लीट करते हैं और 18 महिलाएं भाई 15 दिन में यही खेत पूरा करती है इसका मतलब 15 पुरुषों का काम 12 दिन का काम 18 महिलाओं के 15 दिन के काम के बराबर होगा कि नहीं होगा अगर दोनों का काम बराबर है तो इन दोनों से हमें इफिशियंसी पता चल जाएगी तो यहां ध्यान दीजिए आप ये कह सकते हैं कि जिस काम को पंद्रह पुरुष एम फोर मेल है यहां पंद्रह पुरुष जो है जिस काम को बारह दिन में कर सकते हैं इसका मतलब पंद्रह पुरुषों का बारह दिन का काम बराबर है अठारह महिलाएं उसी काम को तो अठारह वुमेन है इनका पंद्रह दिन का काम आपस में बराबर है इसको बनाने के शॉर्टकट पे मैं ले आऊंगा लेकिन अभी डिटेल से समझो कि पंद्रह पुरुष जिस खेत को काट रहे हैं बारह दिन में उसी खेत को अठारह महिला पंद्रह दिन में काट रही है इसका मतलब पंद्रह पुरुषों का बारह दिन का काम अठारह महिलाओं के पंद्रह दिन के काम के इक्वल होगा हमारी बात यहां हुई है भाई मैं इसको हटा रहा हूं समझिए तो मैं ये कह सकता हूं आप लोगों को कि पंद्रह महिलाओं का पंद्रह आदमियों का बारह दिन का काम अठारह महिलाओं के पंद्रह दिन के काम के इक्वल है एक नंबर बात अब पहले एक बार समझ लो इसको इसी से बना लेते हैं इससे हम इफिशियंसी बनाएंगे फिर शॉर्टकट बताता हूं बताओ भाई पंद्रह से पंद्रह कट जाएगा आप कहेंगे हाँ यहां से अगर काटना चाहो तो काट लो नहीं काटना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है अगर काटना चाहो तो यहां से कह दो छदुनी बारह और छह तीन कितना होगा अठारह इसका मतलब आप कह दीजिए टू एम जो है ना वो बराबर होगा किसके थ्री डब्लू के एम अनुपात w जो होगा एम अनुपात डब्लू एम की वैल्यू इसके सामने तीन और w की वैल्यू इसके सामने कितनी होगी दो आमने सामने की वैल्यू होती है इससे ये पता चल गया कि इनकी दक्षता कितनी है आप बोलेंगे इनकी दक्षता या समता जो है इनकी इफिशियंसी जो है वो आप लोगों की तीन दो आ गई है प्लीज समझिए सवाल अगर समझ गए ये दिमाग में लग गया तो इनको वन लाइनर बनाना सिखा दूंगा पहले समझो मैंने कहा अगर एक ही पर्सन में पुरुष और महिला दोनों की अलग अलग बात हो तो उनके होना बहुत जरूरी है इसका मतलब एक पुरुष एक दिन में तीन काम करता है और एक महिला एक दिन में दो काम करती है कहता है पंद्रह पुरुष किसी काम को बारह दिन में कर सकते हैं तो कुल कार्य कितना होगा अब एक चीज बताओ सवाल यहां से शुरू होगा अब सवाल को यू बना लो कि जिस काम को पंद्रह पुरुष यहां से फिर से बताता हूं ध्यान से सुनना जिस काम को पंद्रह पुरुष बारह दिन में कर सकते हैं उसी काम को बताओ पांच पुरुष और तीन महिला कितने दिन में करेंगे उसी काम को पांच पुरुष और तीन महिला कितने दिन में पूरा करेंगी हमें यह बताना है ये मैं क्यों बराबर कर रहा हूं क्योंकि पंद्रह पुरुष जिस काम को कई कई बच्चे सोच रहे हैं सर ऐसा जरूरी है कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं तो सर मैं कह रहा हूं या तुम ये भी कर सकते हो अठारह महिलाओं का ले सकते हो कि जिस काम को अठारह महिला पंद्रह दिन में पूरा करती है वही काम पांच पुरुष और तीन महिला कितने दिन में पूरा करेंगे हमें यह भी बताया जा सकता है पूछा जा सकता है ठीक है देखिए एक चीज समझिए भाई ध्यान से सुनना यहां से एम की वैल्यू एम का मान जो है वो रख दो की जगह का मान रख दो, हल कर दो करना क्या है फिर इसका शॉर्टकट में बताऊंगा करना क्या है वो देखिए आप कहेंगे पंद्रह एम की वैल्यू तीन है और बारह बराबर आप कहेंगे पांच गुणा तीन और प्लस तीन गुणा कितना दो गुणा कितना हो जाएगा क्वेश्चन मार्क आप हल कीजिए सर आप कहेंगे पंद्रह गुणा कितना हो जाएगा तीन गुणा कितना होगा भाई बारह बराबर इधर अगर मैं देखूंगा पांच तीन पंद्रह तीन दुणी छह इक्कीस बराबर कितना होगा भाई इक्कीस पंद्रह को बारह से गुणा करेंगे एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी में सात का भाग लगा दीजिए तो इधर कहूंगा पंद्रह बारह एक सौ अस्सी अरे दोनों का गुणा एक सौ अस्सी में सात का भाग लगा दीजिए बराबर किसके होगा क्वेश्चन मार्क के सात दुणी का हो गया कितना चौदह बचा कितना चार सात पंजे पैंतीस पच्चीस से ही पाँच बटा सात दिन आपका राइट आंसर होगा है क्या ऊपर देखो देखें आप कहेंगे यस सर उत्तर जो होगा वो बी होगा अब सवाल है कि गुरुजी क्या इनको बनाने का कोई सिंपल तरीका भी है या इतनी माथा फोड़ी करनी पड़ेगी तो नहीं भाई इतनी माथा फोड़ी नहीं करनी पड़ेगी मैं इनको शॉर्टकट में ले जाऊंगा प्रोसेस यही होगा बस कुछ चीजों के शॉर्टकट बताऊंगा कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा आप चाहते तो पंद्रह पुरुष जिस काम को बारह दिन में कर सकते हैं उसी काम को पाँच पुरुष तीन महिला कितने दिन में करेंगे ये कहना चाह रहा है अगला, लेकिन इसके जरिए समता बनाने के लिए एक ही तरह की दो बातें आप लोगों के सामने परोसती वो कहता है शुरू की दोनों बातों को इक्वल करके पहले तो आप इफिशियंसी निकाल लो फिर एक तो शुरू वाली में से चुन लो और एक जो पूछा है उसको चुन लो दोनों को बराबर करके रख दो आंसर आ जाएगा जैसे एक सवाल और देखते हैं सर ये सवाल भी एस एस सी का सवाल है बहुत जबरदस्त सवाल है जिंदाबाद सवाल है सर देखिए आठ महिलाएं और आठ लड़कियां किसी काम को सोलह दिन में समाप्त कर सकती हैं इसका मतलब एक चीज देखो कि आठ महिला और आठ लड़की अगर आप काम पे लगाते हैं तो वो छह दिन में पूरा काम खत्म कर देंगी जबकि जबकि चार महिला यहां क्या कह रहा है इसको यहां से हटा रहा हूं मैं अगला कह रहा है जबकि चार महिला चार महिला और 10 लड़की अगर काम पे लगाओगे तो 18 दिन में खत्म करेंगी मतलब काम वही है तो मैं ये कह सकता हूं कि आठ महिला ध्यान से सुनना तो एक लड़की अकेले कितने दिन में पूरा करेगी अगला कहता है आठ महिला और अगर आठ लड़की आप काम पे लगाते हैं ठीक है आठ लड़कियां गर्ल्स काम पे लगाते हैं तो आठ महिला और और का मतलब यहां प्लस लेके चलना है क्योंकि आठ महिलाओं के साथ आठ लड़कियां काम पर लगानी है तो आठ महिला आठ लड़की जिस काम को छह दिन में पूरा कर सकती हैं उसी काम को चार महिला और दस लड़कियां प्लस दस लड़कियां अगर काम पे लगाए तो यह काम हो जाता है आठ दिन में पहले इसको दोनों को इक्वल करके हम क्या कर लेते हैं एफिशिएंसी निकाल लेते हैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सर समझिए क्या कहना चाह रहा हूं ध्यान से सुनो आठ महिला आठ लड़कियां मिलकर क्योंकि और का मतलब है दोनों एक साथ मिलकर काम कर रही है आठ महिला प्लस आठ लड़कियां किसी काम को छह दिन में कर सकती है तो आगे कहता है चार महिला और दस लड़कियां चार महिला और दस लड़कियां उसी काम को आठ दिन में पूरा कर रही है एक लड़की अकेले काम को कितने दिन में खत्म करेगी तो बताइए आगे देखो तो बताइए एक लड़की कितने दिन में काम खत्म करेगी हमसे पूछा है मुझे एक बात बताओ क्या ये तीनों कंडीशन बराबर होंगी तो हाँ याद रखना M1 D1 H1 ये या MDH जो होता है ना MDH ये हमेशा कुल कार्य को दर्शाता है किसको दर्शाता है कुल कार्य को दर्शाता है तो ये भी कुल कार्य है ये भी कुल कार्य है और ये भी कुल कार्य है कार्य एक जैसा है इसलिए तीनों बराबर रहेंगे अगर एक जैसा है तो तीनों बराबर रहेंगे इसका मतलब आप कहिए भाई इनको सोल्व करना अब करना क्या है देखो लास्ट वाला अगर आप ना रखो तो भी आप समझ सकते हैं यहाँ करना क्या है इन दोनों को शुरू को हल करके आप लोगों को इफिशियंसी निकालना है इसको और इसको सोलो करके इफिशियंसी निकालना है इसको रहने देना है ठीक है आप अगर काटना चाहो कई कई बच्चे ऐसे भी आठ से आठ कट गया नहीं भाई गुणा की चीज गुणा से कटती है आप चाहो तो काट लो नहीं तो इसको इससे गुणा कर लीजिए मैं काटूंगा दो से काटूंगा तीन बार और दो से काटूंगा कितनी बार कटेगा चार बार अगर तीन से गुणा करूंगा तो आठती कितना होगा भाई चौबीस डब्लू और प्लस आठतीय कितना होगा भाई चौबीस जी ठीक है बराबर क्या होगा बराबर होगा इधर चार चौका कितना होगा भाई सोलह डब्लू और प्लस इधर होगा दस सौ का कितना चालीस जी बोलो हाँ ना आप कहेंगे हाँ मैंने क्या किया बाहर की संख्या बाहर की संख्या से कट गई याद रखना जी एक तरफ ये इससे भी गुणा होगा इससे भी गुणा होगा ये इससे भी गुणा हुआ है इससे भी गुणा हुआ है ऐसे किया है याद रखना एक चीज जी एक तरफ डब्लू एक तरफ इसको उठा के इधर ले आइए तो आप कहेंगे चौबीस डब्लू माइनस सोलह डब्लू बराबर इसको उठाकर उधर ले जाइए जी एक तरफ उधर चालीस जी रह गया ये उधर जाएगा तो माइनस का चौबीस जी हो जाएगा अभी अगले प्रश्नों में डायरेक्ट करने लग जाओगे थोड़ी देर समझो आप कहेंगे गुरु जी इधर आठ डब्लू और इधर हो गया सोलह जी बोलो हां ना आप कहेंगे हां सर अब मुझे बताओ आठ एकम आठ और आठ दुनी सोलह इसका मतलब एक डब्लू जो है वो टू जी के बराबर है तो W अनुपात G जो होगा वो दो अनुपात एक होगा कि नहीं होगा अब GD वाले बच्चे यहां रुकेंगे सर कई कई बार तो ऐसे भी मैंने वो सवाल हालांकि लिया नहीं है कई कई बार तो इतना भी पूछा हुआ है आगे पूछने के बजाय ये पूछा हुआ है एक लड़की और एक महिला की कार्य क्षमता का अनुपात बताओ बस इतना भी पूछा हुआ है अगर आपको सवाल में ये पूछ लेता है कि एक लड़की और एक महिला के कार्य क्षमता का अनुपात बताओ तो आप कहते हैं ना दो अनुपात एक होगा महिला और लड़की का और लड़की और महिला का एक अनुपात दो होगा तो एक बार तो ऐसे भी हमसे पूछ सकता है लेकिन मैंने एक ही सवाल में कई सारी बातें लिख दी हैं वो देखना अब पूछा क्या है वो देखो हमें जो पूछा है उसको हमें लेना है कहता है उसी कार्य को एक लड़की कितने दिन में करेगी मेरा सवाल है कौन सा कार्य है तो आप कहेंगे जिस काम को आठ महिला और आठ लड़कियां मिलकर छह दिन में पूरा कर सकती है वो कार्य या जिस काम को चार महिला और दस लड़कियां मिलकर आठ दिनों में पूरा कर सकती है वो कार्य तो मैं कहूंगा जिस काम को आठ महिला और आठ लड़कियां मिलकर कितने दिन में भाई छह दिन में कर सकती है उसी काम को एक लड़की अकेले कितने दिन में करेगी हमें ये बताना है भाई ठीक है हाँ भाई वामिका क्लासेज हेलो बताइए भाई देखो तो W की वैल्यू कितनी है दो तो आप कहेंगे आठ दो सोलह और आठ एकम आठ बोलो हाँ या ना आप कहेंगे हाँ सर और गुणा कितना होगा भाई छह एक गुणा जी का वैल्यू कितना है एक और गुणा कितना होगा क्वेश्चन मार्क यही होगा आप कहेंगे भाई एक मिनट एक लड़की अकेले काम करना कितने दिनों में पूरा करेगी चार महिलाएं आप सही कर रहे हैं देख लीजिए आठ दुनिया सोलह सोलह और आठ कितना हो जाएगा सर चौबीस मुझे ऐसा लगता है ना कि इस सवाल में पूरी बात अगले ने लिखी नहीं है कोई बात छुपा दी है आठ महिला आठ लड़कियां छह दिन में खत्म कर सकती है जबकि चार महिला और दस लड़कियां उसी काम को आठ दिनों में खत्म कर सकती है तीन दूनी छह चार दुनी आठ आठ या चौबीस आठती चौबीस चौबीस डब्लू चौबीस जी, चार सौ का सोलह दस सौ का चालीस आठ सोलह इधर माइनस हो गया चौबीस में से सोलह गया आठ बचेगा इधर चौबीस और चालीस के बीच में सोलह का अंतर होगा आठ दूनी सोलह आप कहेंगे जी का वैल्यू एक डब्लू का वैल्यू दो तो ये दो अनुपात एक हो गया आठ महिला आठ लड़कियां जिस काम को छह दिन में करती हैं उसी काम को एक लड़की कितने दिन में करेगी हमें यह पूछा गया है तो सर महिला आठ दुनी सोलह और यहां हो जाएगा सर यहाँ मेरे हिसाब से तो ऑप्शन गलत हैं इस सवाल के ठीक है यहाँ उत्तर जो होगा वो चौबीस गुणा कितना होगा छः गुणा क्वेश्चन मार्क वन फोर्टी फोर डेज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है वो गलत प्रिंट है सर यहाँ ऑप्शन जो है वो गलत प्रिंट है उत्तर दीजिए सर सर आप बहुत इंतजार कर रहे हैं ऐसा <laughs> लगता है कि तुम सामने लाके छोड़ोगे अब सर आइए बैक रिचार्ज भरा लिया अच्छा रिचार्ज भरा लिया क्या भाई कोई दिक्कत नहीं है ओके okay. क्लियर है सबका अच्छा कोई बात नहीं रिचार्ज भरवा लिया है तो भाई बढ़िया है आप पढ़ते जाइए देखते जाइए चलिए अगला सवाल देखिए भाई अगला आसान सवाल है सब देखिए का सवाल सवाल है है आराम से सवाल को बनाइए कुछ खास चीज नहीं है। पिछले सवाल में मैंने इस सवाल में इतना कुछ दे दिया है ना आपको ये छोटे सवाल अब आपकी अंगुलियों पे होंगे एक चीज देखो कहता है कि सोलह पुरुष सोलह पुरुष किसी काम को आठ दिन में कर सकते हैं जबकि आठ पुरुष तथा नौ महिला अगर काम करें तो वही काम दस दिनों में पूरा होता है इस कार्य को बीस महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी अब सवाल को ये देखिए भाई कि जीके का क्या करें जीके का कुछ नहीं करना है भाई एक चीज करो अभी लड्डू बना रहे होंगे ना घर पे तो जो जीके की किताब है ना तेरे को जो अच्छी लगती है तो माता जी को बोलना कि जो कढ़ाई होता है ना बड़ा सा डेकचा होता है उसमें है ना उसको दबा दबा के दबा दबा के है ना एकदम घोट घाट के लड्डुओं के साथ लड्डू बांध के खा ले जीके का यही इलाज है पढ़ते हो नहीं जीके का क्या करें अभी क्या करेगा इतने दिनों में जीके का भाई सोलह पुरुष किसी काम को आठ दिन में पूरा कर सकते हैं तो आप यह कहो कि सोला पुरुष आठ दिन में जो काम पूरा कर सकते हैं वही काम आठ पुरुष और नौ महिला अगर काम करें तो कितने दिन में पूरा करती हैं भाई दस दिन में पूरा करती हैं? तो बताइए इसी काम को बीस महिला अगर काम करना चाहें

ठीक है तो आप कहेंगे गजब बेजती करते हो तो बेजती करवाने का तो काम ही करते हो तुम और क्या करते हो भाई है देखो यहां से सर इन दोनों को बराबर करके वैल्यू निकाल लीजिए अगर इन दोनों को मैं बराबर करके वैल्यू निकालना चाहूंगा उम्मीद करते हैं आप मेरी बात यहां से समझ गए हैं ठीक है ये वाला लास्ट में इसको इग्नोर कर दो इन दोनों को हल करके आंसर निकाल लो इन दोनों को अगर हल करके आप एफिशियंसी निकालोगे तो दो से काटूंगा तो चार बार कटेगा और दो से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा पांच बार मुझे बताओ सोलह चौके चौसठ तो ये तो चौसठ एम हो गया बराबर ये पांच इससे भी गुणा होगा और पांच इससे भी गुणा होगा आठ पंजे कितना होगा चालीस तो ये तो हो गया चालीस एम प्लस नौ पंजे कितना होगा पैंतालीस तो ये होगा पैंतालीस डब्लू सर इस चालीस को उठाकर माइनस कर दीजिए चौसठ में से अगर चालीस गया तो कितना बचेगा चौबीस एम चौबीस एम बराबर किसके होगा पैंतालीस डब्लू के अगर चौबीस एम बराबर पैंतालीस डब्लू के होगा भाई तो यहां से काट लो अगर काटेंगे तो आठ बच जाएगा और यहां से पंद्रह बार कटेगा अगर मैं कहता हूं अनुपात बताओ आमने सामने का मान होता है ये ये और कितना हो जाएगा आठ उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ गई है कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है ओके क्लियर है सबका कोई दिक्कत नहीं होगी अब आगे हमें पूछा है इफिशियंसी मैं एक चीज कहता हूं ना आपको सवाल में एक तो इफिसियंसी भी पूछ सकता है इफिशियंसी पूछे तो कह ना पंद्रह आठ है अब कहता है बताओ वही कार्य बीस महिलाएं कितने दिन में करेंगी कौन सा काम जिस काम को सोलह आदमियों ने बस इसको पहले भी तुम हटा सकते थे जिस काम को सोलह आदमियों ने आठ दिन में करा इनमें से एक चुन लो को या तो ये चुन लो या ये चुन लो कोई दिक्कत नहीं आएगी जिस काम को ये पूरा कार्य बताता है सर जिस काम को सोलह आदमियों ने आठ दिन में करा वही काम बीस महिलाएं कितने दिन में करेंगी हमें ये बताना है सर एम की जगह एम का वैल्यू डब्लू की जगह डब्लू का वैल्यू फाइंड कीजिए लगाइए सर आपके क्लास के लिए दो का रिचार्ज दो से करवाया है सर लव इन दर्ल्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी क्लास के लिए आपने दो का रिचार्ज करवा के आप पढ़ रहे हैं भगवान आपका भला करेगा जरूर और भगवान से ज्यादा ये रिचार्ज आपका भला करेगा क्योंकि आप इससे दो घंटे क्लास ले पाएंगे एम का वैल्यू कितना है भाई तो 16 गुणा पंद्रह गुणा कितना आठ बराबर आप कहेंगे बीस गुणा आठ इसका वैल्यू कितना है आठ गुणा क्वेश्चन मार्क काटा पीटी मचाओ आठ से आठ कटके यहाँ अगर आठ से आठ कटा है ना भाई यहाँ से देखेंगे पांच तीन पंद्रह और पांच के बीस यहाँ से काटेंगे चार सौ का सोलह बारह बराबर कितना का हो जाएगा नरसीराम क्वेश्चन मार्क के उत्तर बताओ कितना होगा ट्वेल्व है उम्मीद करते हैं आप आराम से बना पाओगे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी बहुत आसान तरीके से सवाल बना रहा हूं नहीं बन पाते हैं बच्चों से आज के बाद तुम ऐसे सवालों को बहुत जल्दी बनाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी अगला सवाल देखिए सर सवाल एस एस सी एम टी एस दो हज़ार इक्कीस का है हर तरह के सवाल आपके सामने लाना लेकर आ रहा हूं एक निश्चित संख्या में व्यक्ति किसी कार्य को छियालीस दिन में पूरा कर सकते हैं यदि आठ व्यक्ति अधिक होते तो कार्य सोलह दिन कम में समाप्त हो जाता मूल रूप से कितने व्यक्ति थे बहुत इंपॉर्टेंट है जी वालों के लिए सवाल जो भी जी डी वाले बच्चे हैं ठीक है प्लीज थोड़ा सा समझो इसको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बताइए भाई आपकी क्लास मेरे लिए सबसे बड़ी है सबसे बेड कर रहा है दिमाग में राजस्थान जी के इंडिया जी के करण जी के वर्ल्ड जी के गोला पे हाँ सही बात है भाई अच्छा है भाई रवि सिंह चौहान पढ़िए आप लोग ठीक है देखिए ये सवाल किसी का नहीं आया है क्या अभी किसी कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा है भाई देखो निश्चित संख्या में व्यक्ति किसी कार्य को छियालीस दिन में पूरा करते हैं मुझे नहीं पता लोग कितने हैं लेकिन जितने भी हैं मान लो मैं कह देता हूं आपको यह भी पता होता है कि एम वन डी वन बराबर होता है एम टू डी टू इसमें कोई शक नहीं है भाई एम वन डी वन बराबर एम टू डी टू होता है इसमें कोई डाउट नहीं है नो डाउट ऐसा होता है तो आप कहेंगे निश्चित संख्या में आदमी मान लो अक्स आदमी है अक्स आदमी निश्चित संख्या में आदमी किसी काम को छियालीस दिन में पूरा कर देते हैं अगर आदमी आठ ज्यादा होते आठ आदमी ज्यादा होने का मतलब अक्स की साथ में आठ और होते हैं अगर अक्स प्लस आठ आदमी होते हैं तो काम सोलह दिन कम में हो जाता पहले काम कितने दिन में हो रहा था छियालीस दिन में सोलह दिन कम बोल रहा है सोलह दिन कम का मतलब है अर्थार्थ काम जो है ना भाई वो छियालीस माइनस सोलह बोले तो तीस दिन में ही हो जाता कितने दिन में हो जाता तीस दिन में काम हो जाता तो ये काम तीस दिन में हो जाता अक्स की वैल्यू बताओ कितनी होगी बहुत आसान सा सवाल है आराम से समझिए बहुत मुश्किल सवाल नहीं है एक निश्चित संख्या में व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में 46 दिन में पूरा कर सकते हैं m1 d1 बराबर m2 d2 इसका अक्स व्यक्ति 46 दिन में काम कर सकते हैं अगर आठ आदमी और होते तो अक्स की जगह x 8 आदमी होते तो 16 दिन कम समय लगता मतलब छियालीस की जगह सोलह कम तीस दिन ही समय लगता तो अक्स आदमी किसी काम को छियालीस दिन में कर सकते हैं जबकि अक्स प्लस आठ आदमी उसी काम को तीस दिन में कर सकते हैं बराबर हो गया हल कर दीजिए सर काटना चाहो काट लीजिए अगर मैं यहां से काटूंगा या तो ऐसा कह दीजिए ये हो गया भाई छियालीस शख्स या तो ऐसे कह दो या फिर मैं थोड़ा सा जल्दी करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं ये कट जाएगा क्योंकि ये गुणा से कट जाता है ये तेईस दुणा छियालीस और पंद्रह दुणी तीस ऐसा भी तुम कर सकते हो ये तो हो गया भाई कितना तेईस ठीक है केवल गुणा की संख्या ही कटेगी और नहीं कटेगा अब ये पंद्रह इससे भी गुणा होगा और पंद्रह इससे भी गुणा होगा पंद्रह इससे गुणा होगा तो कितना बनेगा पंद्रह अक्स और पंद्रह अंटे कितना बन जाएगा एक सौ बीस इस पंद्रह को उठाकर इधर अक्स अख्स एक तरफ होना चाहिए तो आप क्या करेंगे ना कि पंद्रह अक्स जो है इसको तेईस अक्स में से माइनस कर दोगे इधर अगर भाई इधर माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा आठ अक्स आठ अक्स बराबर कितना बनेगा एक सौ बीस पंद्रह अंटे एक सौ बीस अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी पंद्रह और अक्स की वैल्यू पंद्रह होने का मतलब उत्तर बोलो कितना हो जाएगा तो आप बोलेंगे

छह okay. पुरुष आठ महिलाएं एक और साथ ही तीन पुरुष तेरह महिलाएं किसी काम को दस दिन में कर सकते हैं मतलब यह कहता है ना कि पुरुष और आठ महिला काम पर लगाओ या फिर पुरुष और तेरह महिला काम पर लगाओ दोनों ही काम को दस दिन में खत्म करते हैं दोनों ही दस दिन में खत्म करते हैं कुल मिला के सौ बातों की एक बात है इस लैंग्वेज को समझना सारे लोग जीडी के जो भी स्टूडेंट एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं प्लीज इस लैंग्वेज को समझना सारे लोग मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से इस लैंग्वेज को दोस्त समझना कि हमेशा एक बैरियर बना रहा है छह पुरुष आठ महिलाएं और साथ ही तीन पुरुष और तेरह महिलाएं उसी काम को दस दिन में करते हैं यहाँ आके तुम कंफ्यूज हो जाते हो इसका मतलब अगला ये कहना चाह रहा है कि अगर छ पुरुष और आप लोग आठ महिलाओं को काम पर अगर लगा देते हैं तो छः पुरुष आठ महिलाएं जिस काम को दस दिन में पूरा करती है ना वही काम तीन पुरुष तीन एम तीन पुरुष और तेरह महिलाएं अगर काम पर लगाई जाए तो तीन पुरुष और तेरह महिला वही काम द्वि दस दिन में ही करते हैं ये कहना चाह रहा है अगला आराम से समझिए यही कह रहा है भाई ठीक है तो बताइए बराबर वे अकेले कार्य करें तो छह महिलाएं कितने दिन में काम को पूरा करेंगी मतलब अगला कहता है वही काम अगर छह महिला करना चाहें तो कितने दिन में करेंगे हमसे पूछ रहा है यही तो बोल रहा है कि छह आदमी आठ महिलाएं जिस काम को दस दिन में कर सकती है तीन आदमी तेरह महिला उसी काम को दस दिन में कर सकती है बताओ छह महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगी इसको हम लास्ट में लिखेंगे प्लीज आप जानिए एक मिनट पहली एक चीज ध्यान रखो टाइम अगर दोनों का बराबर है इसका भी दस दिन है इसका भी दस दिन है तो फिर टाइम को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम से टाइम कट जाएगा यहाँ दस से दस कट जाएगा इसलिए इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि छह महिला और छह आदमी आठ महिला मिलकर तीन आदमी तेरह महिलाओं के बराबर है तुम तो ऐसा गुण कह सकते हो क्योंकि दोनों में ही छह पुरुष आठ महिला और तीन पुरुष तेरह महिलाओं का दस दस दिन का काम है तो कट जाएगा तो इसका कोई सेंस नहीं रहेगा कट गया पूरी तरह मतलब ये गायब हो गया ये गायब हो गया ये दोनों बराबर हैं इस m को उठाकर इधर ले आओ तो आप कहेंगे 6m 3m बराबर ये उधर बचा है 13w इसको उठाकर उधर माइनस कर दो तो आप कहेंगे 8w यही होगा कि नहीं होगा बताओ भाई कितना हो जाएगा तो आप बोलेंगे 3m बराबर इधर 8 और 5 13 कितना हो जाएगा भाई 5w m अनुपात अगर w बोलूंगा तो आप बोलेंगे 5 अनुपात कितना होगा 3 उम्मीद करते हैं आप मेरी बात समझ गए हैं अगर हमें यही कहता समता बताइए तो आप समता बता देते लेकिन हमें कुछ और पूछा है है हमें कहता है, वही काम कौन सा काम या तो इसको ले लो या इसको ले लो किसी एक को ले लो मैं ये कहता हूं कि जिस काम को छह आदमी और आठ महिलाएं मिलकर जिस काम को छह आदमी और आठ महिलाएं मिलकर दस दिन में पूरा कर सकती है वही काम छह महिला कितने दिन में करेंगी हमें यह बताना है भाई वही छह महिला कितने दिन में करेंगे सिर्फ इतना सा बताना है छह आदमी आठ महिला जिस काम को दस दिन में कर सकते हैं वही काम तेरह छह महिला कितने दिन में करेंगे एम और डब्ल्यू की वैल्यू रख दो आप कहेंगे छह गुणा कितना होगा पांच छह पंजे तीस और आठ तिया चौबीस यही होगा कि नहीं होगा तीस चौबीस कितना हो गया भाई चौवन बराबर छ गुणा आप कहेंगे तीन गुणा क्वेश्चन क्युण मार्क यही होगा आप बोलेंगे चौवन गुणा दस बराबर अठारह गुणा क्यूशन मार्क मेरे हिसाब से तीस उत्तर आ गया अठारह या चौवन दस या तीस तीस बराबर क्वेश्चन मार्क उम्मीद करते हैं सबका उत्तर तीस हुआ होगा किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसको सर फिर से समझा दीजिए अरे भाई रवि सिंह चौहान टेंशन मत लीजिए मैं और सवाल ऐसे ही दे रहा हूँ बहुत सारे सवाल और सवाल दे देता हूँ ऐसे ही ठीक है एक के साथ में दो फ्री लीजिए ऐसे और सवाल दूंगा आराम से समझ में आएंगे भरोसा रख ठीक है इसी सवाल को रिपीट करने की जरूरत नहीं है और ऐसा आने देता हूँ चलिए तो सही आगे देखते तो जाइए अगला देखिए सर सेम पैटर्न का सवाल है छह पुरुष और दस लड़के साथ ही दो पुरुष और बीस लड़के उसी कार्य को बारह दिन में कर सकते हैं कहता है कर सकते हैं चलो छोड़ो क्या ध्यान देते हो दस लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे कहां आया सर एस एस सी एम टी एस दो हजार इक्कीस में सोचो बहुत अच्छा काम करेगा सर सवाल में लेवल है सवाल में ज्ञान है फर्जी सवाल नहीं है बिल्कुल भी एस एस सी एम टी एस दो हजार इक्कीस में आया हुआ सवाल है भाई आज के क्वेश्चन बहुत ईजी है गलत बात है ईजी नहीं है समझाया ईजी तरीके से जा रहा है तो आपको लग रहा है मजा आ रहा है ठीक है हाँ बहुत ईजी तरीके से सवाल समझा रहा हूं छह पुरुष दस लड़के साथ ही दो पुरुष दस बीस लड़के उसी कार्य को बारह दिन में पूरा कर सकते हैं तो मैं यही कहूंगा छह पुरुष और दस लड़के काम पर लगा दो तो भी कितना दिन लेते हैं बारह दिन ही लेते हैं या फिर दो पुरुष और बीस लड़के काम पर लगा दो तो भी कितने दिन लेते हैं बारह दिन ही लेते हैं ये बारह ही दिन ले रहे हैं तो आप यही कहेंगे अगर ज्यादा इजी है तो फटाफट बता दो भाई तो आप कहेंगे दस लड़के छह पुरुष दस लड़के जिस काम को क्योंकि ये भी बारह दिन ही ले रहे हैं और ये भी बारह दिन ही ले रहे हैं कहते हैं चाहे इनको भेज दो चाहे इनको भेज दो, दोनों बारह बारह दिन ले रहे हैं बस तो आप ये कहेंगे कि इन दोनों का बारह दिन का काम बराबर है दो पुरुष और बीस लड़के दो पुरुष और बीस लड़कों के कितने दिन के बारह दिन के काम के बराबर है ये बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है आप कहेंगे हाँ सर तो आप मुझे बताइए बारह से बारह कट जाएगा कट गया इसका मतलब छ एम ऐसे कई कई तो ऐसे भी लिख लेते हैं बेचारे दोबारा गरीब होते हैं ना दिमाग से तो दोबारा लिख देते हैं कि टू एम प्लस बीस अरे क्या फर्क पड़ता है इसको उठाकर इधर इसको उठाकर इधर एम एम एक तरफ बी बी एक तरफ रखना है ठीक बात है बी बी आराम से बोलो जल्दी से मत बोल देना बी बी इसको उठा के इधर ले आ गए तो दो एम अगर इसमें से माइनस हो जाएगा तो चार एम बचेगा मैं गरीब लोगों के लिए लिख देता हूं बाकी तो आप कहेंगे चार एम बचेगा ये बीस बी इधर है अगर मैं इसको उठा के इधर ले आऊंगा ना तो इधर आप कहेंगे बीस बी दस बी क्या बन जाएगा भाई तो आप कहेंगे चार एम बराबर कितना बन जाएगा तो आप कहेंगे दस बी अगर काटना चाहो तो काट लीजिए दोस्त यहां से दो से काटूंगा दो और पांच दस। अगर मैं कहूंगा कि m अनुपात b बताइए तो m का मान इसके सामने की संख्या पांच अनुपात दो आपका आंसर होगा अगर क्या पूछे अनुपात पूछे तो लेकिन हमें पता है क्या पूछ रहा है हमें कहता है उसी काम को तो मैं ये कह रहा हूं उसी काम का मतलब कौन सा काम तो आप बोलेंगे जिस काम को छह आदमी और दस लड़के मिलकर बारह दिन में कर सकते थे वही काम दस लड़के कितने दिन में करेंगे यह सवाल कह रहा है फिर से रिपीट कर रहा हूं जिस काम को छह आदमी और दस लड़के मिलकर बारह दिन में पूरा कर सकते थे चाहो तो तुम ये भी ले सकते हो उसी काम को अगला कहता है दस लड़के कितने दिन में पूरा करेंगे सर ये जो लैंग्वेज में लिख रहा हूं आदि एग्जाम में स्किप करनी है भाई अशोक आदि चीजों को छोड़ देना है जैसे ये नहीं लिखना है तुमको डायरेक्ट इसकी वैल्यूज रखनी है एम की वैल्यू कितनी है पांच तो आप कहेंगे छह पंजे तीस प्लस आप कहेंगे दस दूरी बीस यही होगा और गुणा कितना होगा भाई बारह बराबर दस गुणा बी की वैल्यू कितनी होगी दो तो बी की वैल्यू दो गुणा क्वेश्चन मार्क यही होगा कि नहीं होगा छह पंजे तीस दस दुणी बीस तीस बीस पचास पचास गुणा बारह बराबर दस गुणा दो बोलो यही बन रहा है क्या आप कहेंगे हाँ सर गुणा क्वेश्चन मार्क काटा पीटी मचाओ काटा पीटी मचाओगे जीरो से जीरो कट गया छत गुणी बारह यही होता है कि नहीं होता छह पंजे तीस बराबर क्वेश्चन मार्क उम्मीद करते हैं सबको मेरी बात समझ में आ गई है अगर भाई जितनी बातें बताई हैं जितने सवाल आप लोगों को समझ में आ गए देखो इतना तो तुमको करना पड़ेगा हालांकि गुरुजी के बाबू अभी बोल रहे थे कि बहुत इजी इजी सवाल हैं बट फिर भी अगर भाई ध्यान रखो अगर आपको लग रहा है कि वाकई में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ कमेंट बॉक्स को फाइव से भर दीजिए किससे भरोगे फाइव से भर दीजिए मैं धासू सर की तरह तब तक अगला पर्सन नहीं लाऊंगा जब तक कमेंट बॉक्स में फाइव जी फाइव जी फाइव जी फाइव जी फाइव जी फाइव जी की लाइन नहीं दिख जाएगी नहीं तो स्ट्रीम बंद कर दूंगा जाकर कल पढ़ाऊंगा नहीं ऐसा नहीं करूंगा सवाल ले आता हूं फालतू में बच्चों को परेशान नहीं करूंगा ठीक है आ जाइए दस पुरुष या अब आ जाता है सर एक और बात मैं फिर पानी का एक घूंट ले लेता हूं गला सूख गया है तब तक आप लोग जो है इसको देखिए अगला हाँ नई पैटर्न आपको समझाता हूं दिल जीत लिया छोरों ने क्या बात है 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 गुड 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 यस 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 कालू का चाचू बहुत लंबा जी लिख रहा है भाई गुड यस आइए सर नेक्स्ट सवाल देखिए ओके 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू आइए सर सर एक चीज देखो एक चीज समझना एक तो होता है न कुछ चीज समझाता हूं देखो एक तो होता है ना कि दस पुरुष और अगर मान लो पंद्रह महिला एक तो ये होता है एक होता है दस पुरुष या पंद्रह महिला इन दोनों में फर्क है सर ध्यान रखना थैंक यू भाई अभी रुक जाइए आ जाइए गुड शाबाश शाबाश दिलबाग सर की रजनीगंधा क्लास तू जब भी याद है क्या देखो सर इसमें और इसमें फर्क है ये एक अलग चीज है ये एक अलग चीज है ठीक है दस पुरुष और पंद्रह महिला अगर ये कहीं आता है ना भाई तो आप कहेंगे इसका मतलब है दस पुरुष प्लस पंद्रह महिला इसका अर्थ तो यह है सर दस पुरुष प्लस पंद्रह महिला इसका तो मतलब यह है जबकि सर इसका मतलब पता है क्या है इसका मतलब है दस पुरुष बराबर पंद्रह महिला आप यो समझो या का मतलब होता है दोनों बराबर हैं और का मतलब है दोनों प्लस है अगर कहता है दस पुरुष और पंद्रह महिला इसका मतलब दस पुरुष प्लस पंद्रह महिलाओं की बात कर रहा है अगर भाई कहता है कि दस पुरुष या पंद्रह महिला इसका मतलब आप ऐसे समझो ना कि दस पुरुष और पंद्रह महिला तो इसका मतलब दोनों एक साथ मिला के तो प्लस कर दीजिए अगर मैं कहता हूं दस पुरुष या पंद्रह महिला इसका मतलब कोई दोनों में से एक या तो आप दस पुरुषों को काम पर भेज दो या फिर पंद्रह महिलाओं को काम पर भेज दो दोनों एक ही बात है मतलब इसका मतलब है दस पुरुष और पंद्रह महिला तो दस पुरुष बराबर पंद्रह महिला क्योंकि या और अथवा भी लिख देता है कई बार इसकी जगह अथवा शब्द भी यूज कर लेता है इसकी जगह थता शब्द यूज कर लेता है ठीक है एवं शब्द यूज़ कर लेता है ये सब दर्शा देता है अब एक चीज़ बताता हूँ भाई एक चीज़ ये बताता हूँ आपको जैसे कई बार ये होता है ना कि दो बाप बेटा है वो कहता है, मैं और मेरा बेटा दोनों इसका मतलब दोनों मिला के वो कहता है सवाल कहता है अब तक उत्तर आ जाना चाहिए था सर समझिए प्लीज इस सवाल को कहता है कि दस पुरुष या पंद्रह महिला इसका मतलब है ना कि दस पुरुषों को काम पर भेजो तो भी वो तीस दिनों में काम पूरा कर देंगे या फिर पंद्रह महिलाओं को काम पर भेजो अकेले तो वो भी तीस दिनों में पूरा कर देंगी तो मैं ये कहूंगा कि दस पुरुष जिस काम को ध्यान से सुनना दस पुरुष जिस काम को तीस दिन में पूरा कर सकते हैं वही काम पंद्रह जो महिलाएं हैं ना वो भी तीस दिन में कर सकती हैं सवाल तो पीछे वाले जैसा ही है बस इसमें लैंग्वेज कुछ और थी इसमें लैंग्वेज कुछ और है इसमें याद दे दिया इसका मतलब दस पुरुषों का तीस दिन का काम पंद्रह महिलाओं के तीस दिन के काम के बराबर है आप भी बोलेंगे तीस से तीस कटना ही है तो फिर लिखने की क्या जरूरत थी भाई जब तीस से तीस कटना ही है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं थी भाई रवि सिंह ने एकदम मतलब की तोड़ दिया है लिखने की जरूरत नहीं थी तुम डायरेक्ट भी कह सकते थे दस पुरुषों की कैपेसिटी पंद्रह महिलाओं के बराबर है सर और अगर कोई कटता है तो काट लीजिए भाई अगर काटूंगा तो पांच दूनी कितना होगा दस और पांच तीन कितना होगा पंद्रह इसका मतलब आप कहेंगे ना कि टू एम जो है वो बराबर है थ्री डब्लू के वैल्यू होती है दोस्त ध्यान रखना एम की वैल्यू इसके सामने की संख्या होगी और डब्ल्यू की वैल्यू इसके सामने की संख्या होगी आप बोलेंगे तीन अनुपात दो क्या बनेगा भाई तीन अनुपात दो अगर तीन अनुपात दो बन रहा है तो प्लीज जानने की कोशिश कीजिए अब मैं बताता हूं ठीक है तीन अनुपात दो क्लियर है सबका आगे देखिए सर कहता है कि उसी काम को पंद्रह पुरुष सवाल उठता है कौन सा काम पंद्रह पुरुष और सत्ताईस करेंगे कौन सा काम जिस काम को दस या तो इसको ले लो या फिर इसको ले लो दोनों में से कोई एक ले लो मैं कहता हूं जिस काम को दस पुरुषों ने तीस दिन में किया वही काम अगर मैं पंद्रह पुरुष और सत्ताईस महिलाओं से करवाना चाहूं तो कितने दिन में होगा कमेंट बॉक्स में उत्तर क्यों नहीं आया अब तक जिस काम को दस पुरुष तीस दिन में कर सकते हैं वही काम पंद्रह इसका मतलब ये वाला काम और ये वाला काम काम और बराबर होगा कार्य बराबर हो जाते हैं कई कई बच्चे कह रहे हैं सर हम तो ये करेंगे तो कर ले भाई पंद्रह 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 डब्लू गुणा तीस बराबर आप ये भी कर सकते हैं पंद्रह एम प्लस सत्ताईस डब्लू वही आएगा सर आंसर सेम आएगा टेंशन ही मत लो तुम सेम आंसर आएगा दोनों में से कोई एक ले लो क्योंकि ये वाली पैटर्न जो है वो कुल कार्य को दर्शाती है एम की जगह एम का वैल्यू रखो आप कहेंगे दस गुणा तीन गुणा तीस बराबर इधर अगर आप कहेंगे ना भाई तो आप कहेंगे पंद्रह गुणा एम की वैल्यू कितनी होगी तीन प्लस सत्ताईस की वैल्यू कितनी होगी सत्ताईस की वैल्यू होगी दो और गुणा क्वेश्चन यही होगा कि नहीं होगा उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई है आप कहेंगे इधर दस गुणा तीन गुणा तीस बराबर वैल्यू पंद्रह तीन पैंतालीस और चौवन नब्बे निन्यानवे यही होता है कि नहीं होता है देखो देखे ये निन्यानवे गुणा क्वेश्चन मार्क मैंने जोड़ दिया है पांच तीन पंद्रह और सॉरी पंद्रह तीन पैंतालीस और सताइस दुआ चौवन सर यहां से अगर मैं काटना चाहूं तो काट सकता हूं एक काम कीजिए आप कहिए दस गुणा तीन गुणा तीस बटा कितना हो जाएगा भाई निन्दारण उम्मीद करते हैं आपको कहानी भी समझ में आई होगी चीजें भी समझ में आ रही होंगी यहां से आप कहेंगे ना भाई तीन तिया नो यही होगा क्या तीस तिया नब्बे दस कितना होगा ग्यारह सो बटा कितना हो जाएगा ना भाई ग्यारह और सो बटा ग्यारह का मतलब ग्यारह सही एक बटा कितना होगा सॉरी नौ सही एक बटा कितना होगा ग्यारह और नौ सही एक बटा ग्यारह जैसा कोई ऑप्शन दिया है क्या भाई उत्तर जो है वो डी आपका राइट आंसर होगा क्या बनेगा भाई डी आपका सही आंसर होगा बहुत सुंदर सा और बहुत अप्रोचेबल सवाल दिया है ध्यान दीजिए एस एस सी सी एच एस एल दो हजार इक्कीस का दिया है आने वाले टाइम में जी डी में सवाल रिपीट हो सकता है प्लीज ध्यान रखना इस चीज का बहुत अच्छी चीज अंतिम रूप से आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं ठीक है उम्मीद करता हूं ये प्रयास आपके और मेरे दोनों के बहुत काम आएगा एस एस सी सी एच एस एल सी जी एल दो हजार बीस का अगला सवाल है भाई समझिए दस पुरुष या बारह महिलाएं एक कार्य को पंद्रह दस दिन में पूरा कर सकते हैं यदि पांच पुरुष तथा दो महिलाओं ने उस कार्य को शुरू किया तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिन का समय लगेगा हमसे ये कहना है भाई शबाश दस पुरुष और बारह महिलाएं एक काम को दस दिन में पूरा कर सकते हैं लगता है वो एक मास्टरानी की बिटिया थी वो चली गई हैं एक भी उत्तर नहीं दे रही हैं वो उसी वक्त है ना ऐसे क्लास चालू होते हैं आ जाते हैं दस पुरुष या बारह महिलाएं एक कार्य को दस दिन में पूरा कर सकते हैं यदि पांच पुरुष तथा दो महिलाओं को उसी कार्य को शुरू किया तो कार्य पूरा उन करने में उनको कितना दिन लगेगा सर फिर किसकी वैल्यू आ गई या आ गई मतलब या तो दस पुरुषों को काम पर भेज दो या फिर बारह महिलाओं को काम पर भेज दो अगर दस पुरुष और बारह महिलाओं को काम पर भेजेंगे तो काम दस दिन में पूरा होगा इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ दस पुरुषों की कैपेसिटी बारह महिलाओं के बराबर है तो आप ये कह सकते हैं कि दस पुरुषों की जो कैपेसिटी है वो बारह महिलाओं के बराबर है या तो कैपेसिटी ऐसे ले लो ठीक है अगर मैं यहां कहूंगा या फिर ज्यादा लिखना चाहो तो अगर कोई बच्चा कंफ्यूज होता है तो ये कह दो दस पुरुष जिस काम को दस दिन में करते हैं बारह महिलाएं है, उसी काम को दस दिन में करती हैं ताकि दोनों की एक ही चीज है भाई दस से दस कट जाएगा मैं कहता हूं अगर समय एक है तो काट दो तो। यहां से अगर दस से दस कट गया पांच दूनी कितना होगा दस और छत् दूनी कितना होगा बारह एम अनुपात अगर डब्लू आप निकालोगे तो एम का मान इसके सामने की संख्या छह और डब्लू का मान इसके सामने की संख्या भाई कितनी हो जाएगी पांच तो अनुपात कितना होगा पांच आप कहेंगे यस सर छ अनुपात पांच होगा अगर भाई यहाँ छे अनुपात पांच हो रहा है ना तो आगे कहता है पांच पुरुष तथा दो महिलाओं ने उस कार्य को शुरू किया कौन से कार्य को जिस कार्य को दस पुरुष कितने दिन में कर सकते हैं दस दिन में कर सकते हैं उसी कार्य को मैं ये दस इसलिए लिख रहा था कई कई बच्चों को लग रहा है दस क्यों लिख रहे हो सर मैं कहता हूं मत लिखो डायरेक्ट इफिशियंसी लो लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं ठीक है जिस काम को दस पुरुष दस दिन में कर सकते हैं उसी काम को अगला कहता है पांच तो पुरुष और दो महिला अगर मिलकर करना चाहे तो कितने दिन में पूरा करेंगे बस आपको यह बता देना है प्लीज ध्यान दीजिए माइंड कीजिए सवाल को एम की वैल्यू छ है तो आप कहेंगे दस गुणा कितना छह और गुणा कितना दस बराबर इधर हो जाएगा पांच गुणा एम का वैल्यू कितना है तो एम का वैल्यू कितना होगा प्लस छो गुणा डब्ल्यू का वैल्यू कितना होगा तो आप बोलेंगे w का वैल्यू गुणा क्वेश्चन मार्क ठीक है आप कहेंगे सर दस गुणा गुणा दस बराबर छ पंजे तीस पांच दूनी दस कितना हो जाएगा भाई चालीस गुणा कितना हो गया क्वेश्चन मार्क यही होता है कि नहीं होता है आप कहेंगे गुरुजी जी पंद्रह बराबर पंद्रह उत्तर है क्या ऑप्शन में देखो भाई मैं चाहूं तो डायरेक्ट कह सकता हूं ये हो गया 600, 600 में हम 40 से काट देंगे ना 600 में 40 से काटोगे तो भाई 15 बार कटेगा और 15 बार कटेगा तो उत्तर क्या आएगा बी आएगा आपका हाँ या ना बताइए शबाश सबका उत्तर बहुत अच्छा आ रहा है अच्छा आप उत्तर दे रहे हैं समझ भी आप अच्छा रहे हैं बहुत बढ़िया सर मैं ज़्यादा कैमरे की तरफ कम देख रहा हूँ और आप लोगों को समझा ज़्यादा रहा हूँ प्लीज़ आप अच्छे से समझिए सवालों को बनाइए मैं कहता हूँ दस लिखने की जरूरत नहीं थी आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे तुम ये भी कर सकते थे या का मतलब अगर दस पुरुष जो है ना इन दस पुरुषों का बारह महिलाओं का, का काम बराबर है पाँच और यहां छह एम और W वही आएगा आपका छह अनुपात पांच आगे वाली कंडीशन पूरी लिख पाए इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है अगला सवाल देखिए सर नेक्स्ट सवाल सारे लोग समझिए या वाला सवाल आ गया है अब आ गया एस एस सी सीजीएल का फटाफट बताइए क्या सवाल बनेगा जल्दी से उत्तर बता दीजिए भाई बोलो भाई मैं कुछ चुनिंदा सवालों को लूंगा इसमें से ठीक है एक तरह के सवालों को हम अब नहीं लेंगे क्योंकि टाइम पर क्लास खत्म नहीं हो पाएगी तीन पुरुष चार महिलाएं सात दिन में कर सकते हैं जबकि दो पुरुष और एक महिला चौदह दिन में कर सकते हैं उसी कार्य को सात दिन में कितने कितने दिन में लगेगा सर यहां बस इतना सा देख लो मैं कुछ बातें लिख रहा हूं तीन पुरुष और चार महिलाएं जिस काम को सात दिन में पूरा करते हैं उसी काम को दो पुरुष और एक महिला दो पुरुष और एक महिला चौदह दिन में पूरा करते हैं दो पुरुष और एक महिला चौदह दिन में पूरा करते हैं जिस काम को तीन पुरुष और चार महिला सात दिन में पूरा कर सकते हैं उसी काम को दो पुरुष और एक महिला कितने दिन में पूरा कर सकते हैं चौदह दिन में पूरा कर सकते हैं बताओ उसी कार्य को सात महिला कितने दिन में पूरा करेंगे सर इनमें स्पीड बढ़ा लो बहुत अच्छा आप लोगों को चीजें समझ आएंगे कालू के चाचू कह रहे हैं सर बिटिया आती है तो कोई पढ़ता नहीं है बस उसकी बातों में ध्यान रखता है बट जाने के बाद सब ओनली पढ़ाई करते हैं इसका मतलब कल से उनको मना करना पड़ेगा कि आप जो तो है लाइव मत पढ़ा करो बाद में पढ़ लिया करो यही चाहते हो आप लोग देखो और भाई एक चीज और बताऊं ये तुम बिटिया करते बिटिया बिटिया करते हो ऐसा नान पत्न हो कहीं कि तुम जिसको मास्टरानी बिटिया समझते हो वो कोई कमीना इंसान आपके जैसा निकले ठीक है हाँ वो कोई निकम्मा सा इंसान आपके सामने सी शकल का आके निकले और आपको पता चले दीवार को सिर दीवार के सिर मार मार के मरोगे फिर तुम देखो भाई यहां से काटो सात दुणी कितना होगा चौदह यही होगा आप बताइए इधर तो होगा भाई तीन एम और इधर होगा चार डब्लू बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं दो से काटो तो आप कहेंगे दो दूनी चार एम और प्लस दो एकम दो डब्लू बोलो हाँ या ना आप कहेंगे हाँ सर बताओ अरे ये बनेगा कि नहीं बनेगा आप कहेंगे डब्ल्यू एक तरफ सर देखो तीन एम और चार एम का अंतर बताओ इसको उठाकर उधर माइनस करेंगे चार एम में से तीन एम गया तो एक एम ही बचेगा बराबर सर चार डब्लू और दो डब्लू के बीच में फासला बताओ चार्लू और दो डब्बलू का दिया है ऐसे बोला है सर मैंने उम्मीद करता हूं आप डायरेक्ट देखेंगे तीन और चार के बीच में एक का फासला है चार और दो के बीच में दो का फासला है एम अनुपात अगर मैं डब्लू बोलूंगा तो इसकी वैल्यू दो होगी और इसकी वैल्यू कितनी होगी एक होगी तो दो अनुपात कितना होगा एक आराम से आगे समझने की कोशिश कीजिए सब लोग देखो कहता है उसी कार्य को कौन सा कार्य जिस काम को तीन पुरुष ध्यान से सुनना जिस कार्य को तीन पुरुष और चार महिला मिलकर कितने दिन में पूरा कर रही है सात दिन में पूरा कर रही है वही कार्य आराम से सुनना वही कार्य कहता है सात महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगे बस इतना सा बोल रहा है भाई सात महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगे यही कह रहा है भाई ठीक है बोलो एम की वैल्यू दो एक तो तीन गुणा कितना होगा दो प्लस चार गुणा कितना होगा एक

क्लियर है सबका कोई डाउट हो तो बताइए बहुत आसान सा सवाल दिया है ठीक है लेकिन समझिए सवालों को बनाने की कोशिश कीजिए एक सवाल और बना लो सर ऐसा ही फिर बाकी इस तरह के सारे सवाल होमवर्क में डाल रहा हूं एक सवाल इसी तरह का और बना दीजिए फटाफट बता दीजिए निकिता जी बी उत्तर दे रहे हैं नरसिराम दस उत्तर दे रहे हैं दीपक सान ए उत्तर दे रहे हैं ओके भाई चलिए दो पुरुष सात महिलाएं अठाईस दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं जबकि छह पुरुष और सोलह महिलाएं ग्यारह दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं पांच पुरुष और चार महिलाएं एक साथ कितने दिनों में काम पूरा करेंगे हमें कह रहा है भाई सर एक चीज ध्यान रखना दो पुरुष और सात महिलाएं अट्ठाईस दिन में पूरा काम कर सकते हैं दो पुरुष और सात महिलाएं अट्ठाईस दिन में काम पूरा कर सकते हैं जबकि आगे कह रहा है कि छह पुरुष जबकि छह पुरुष और सोलह महिलाएं वही काम ग्यारह दिन में कर सकते हैं इसका मतलब मैं यही कहूंगा भाई कि दो पुरुष और सात महिला जिस काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं वही काम छह पुरुष तो आप कहेंगे छह पुरुष और प्लस 16 महिलाओं से अगर हम करवाना चाहें तो कितने दिन में करते हैं 11 दिन में करते हैं बस इससे ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं हो सकता इस सवाल में सब कुछ डाल दिया है भाई अगले ने अगर ये सवाल कोई बच्चा बना जाएगा तो ऐसे समझ लो आज की क्लास का सबसे मुश्किल सवाल में से एक ले जाएगा मतलब कैलकुलेशन के आधार पर सबसे मुश्किल वैसे नहीं वैसे कोई सवाल मुश्किल नहीं है लेकिन कैलकुलेशन के आधार पर सब कुछ जान अगले ने डाल दी है तुमको अट्ठाईस का पाढ़ा भी आना चाहिए अट्ठाइस का पाढ़ा आने के साथ साथ तुमको ग्यारह का या सोलह का पाढ़ा भी आना चाहिए तुमका जो कैलकुलेशन है वो जल्दी जल्दी भी होना चाहिए तो मतलब जितनी कुछ चीज़ें डालनी थी वो सारी की सारी चीज़ें इसमें डाल दी है उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर बना पाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा तो यहां देखो अट्ठाईस दुआ कितना हो गया छप्पन अब तक उत्तर आ जाना चाहिए था सर कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए थी उत्तर सर अब तक आ जाना चाहिए था ठीक है ये कितना हो जाएगा सर आ, एक सौ छियानवे अट्ठाईस सात एक सौ छियानवे होता है देख लो भाई पहाड़ा वाड़ा भूल नहीं जाना है आप कहेंगे सात आठ छप्पन बच गया पांच सातों ने चौदह पाँच एक सौ छियानवे बराबर इधर हो गया भाई कितना छियासठ एम प्लस एक सौ छिहत्तर डब्लू यही होगा कि नहीं होगा ग्यारह को गुणा करेंगे एक होगा सर एम एक तरफ और W एक तरफ एम एक तरफ का मतलब छप्पन एम और फर्क बता दो आप तो छप्पन और छियासठ में दस का अंतर होता है तो एम तो बच गया दस बराबर इधर सर एक सौ छियानवे और एक सौ में फर्क बताओ कितने का है तो आप कहेंगे गुरुजी जी छियासी छियानवे बीस का फर्क होता है तो डब्लू बच गया बीस सर आप भी जानते हैं जीरो से जीरो कटेगा एम और डब्लू जो होगा एम का मान इसके सामने की संख्या दो और डब्लू का मान एक एम और डब्लू दो अनुपात एक आ गया सिर्फ और सिर्फ आपको पहाड़ा आना चाहिए था बाईस दिन बाईस दिन बाईस दिन बाईस दिन बाईस दिन बहुत अच्छा बहुत अच्छा शानदार जबरदस्त देखिए सर ध्यान से सुनिए पता है मेरी ये आदत है ऐसे करके ऐसे जाने वाला कई कई बच्चे पता है पहले मजे लेते थे मेरे पढ़ाते वक्त बोला सर जब तक ये आप ऐसे ऑफलाइन में ऐसे मेरे पढ़ाने की आदत है ऐसे करके ये तीर लगाने वाला तो कई बच्चे कहते हैं सर जैसे ही ये करके इस तरफ आ जाते हैं ना तब हमें आत्मा को शांति मिल जाती है कि अब सवाल खत्म ही हो रहा है ठीक है ये आदत ही होती है दो पार्टों में बनाने की तो कहता है जिस काम को दो पुरुष और सत्ताईस सात महिला मिलकर अट्ठाईस दिन में पूरा कर लेते हैं ना वही काम पांच पुरुष तो पांच तो पुरुष और चार महिला अगर करें तो कितने दिन में करेंगे करें तो करें लेकिन कितने दिन में करें भाई तो एम का मान दो, दो चार तो दो दुणी चार प्लस सात एकम सात और गुणा कितना भाई अट्ठाईस बराबर इधर देखो पांच गुणा एम का मान बताओ कितना दो प्लस चार गुणा प्लस चार गुणा डब्लू का मान कितना भाई एक डब्लू का मान होगा एक और गुणा कितना भाई क्वेश्चन मार्क काटा पीटी दूनी दूनी एकम और और गुणा कितना भाई 28, बराबर काटापी गुणा क्वेश्चन मार्क सर चौदह दूनी अट्ठाईस ग्यारह दूनी बाईस क्वेश्चन मार्क बराबर बाईस उत्तर जो है वो तीन नंबर आपका हो गया है उम्मीद करते हैं आप समझ गए हैं गुरु जी अभी तक पहले के यूट्यूब पर जीतते हैं क्रांति अच्छा पहले YouTube पे आ जाता तो क्रांति आ जाती भाई अच्छा कोई बात नहीं अगर भाई हमारे में क्रांति लाने की कैपेसिटी और आपको लगता है कि मैं क्रांति ला सकता हूं तो ये क्रांति तो आएगी एक बात बताता हूं देखो एक चीज बार एक बार जंगल में आग लग गई थी ठीक बात है ना जंगल में आग लगी थी ये मेरे उन विरोधियों के लिए भी है जो नेगेटिव होते हैं ये सोच के कि ऑनलाइन पढ़ाने में कुछ नहीं है ऑनलाइन में कुछ नहीं पढ़ा है उन लोगों के लिए भी मेरा स्टेटमेंट है ये उन विरोधियों के लिए है और उन लोगों के लिए है जो जिनका काम सुबह से लेकर शाम तक नकारात्मक होना होता है उन लोगों को बता रहा हूँ कि एक बार एक जंगल में आग लगी थी सारे जंगल के जानवर थे भागे जा रहे थे सारे जंगल के जानवर भागे जा रहे थे एक छोटी सी चिड़िया थी वो समुद्र में पास में जो तालाब था जहां से भी पानी समुद्र तालाब नदी जो भी था उस जंगल के आसपास में वहां से वो जा रही है अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी लाके उस आग में डाल रही है बड़े बड़े हाथी जो अपनी सूंड में बहुत पानी ला सकते थे वो हंस रहे थे कि ये पागल चिड़िया तू चोंच में जो है वो धीरे धीरे चोंच में पानी ला ला के इस आग को बुझा पाएगी उस पर हंस रहे थे कि तेरा पानी तो उड़ जाता है ऐसे ही तब चिड़िया ने कहा कि इस आग को तो एक दिन बुझना ही पड़ेगा ये आग तो बुझ कर रहेगी चाहे मेरे पानी से बुझे या फिर अपने आप अंत में सब कुछ जला के बुझे लेकिन इस आग को तो बुझना ही पड़ेगा लेकिन याद रखना आग तो बुझ जाएगी जिस दिन आग लगी है इसका इतिहास लिखा जाएगा तब मेरा नाम बुझाने वालों में और आपका नाम भागने वालों में आएगा तो मैं एक छोटी सी चिड़िया के रूप में दोस्त अगर प्रयास कर ही रहा हूं तो मेरा नाम कम से कम इस लिस्ट में शामिल होगा कि कोई तो था जब आप लोग पैसे ले लेके बच्चों को इतनी चीज़ें नहीं पढ़ाते थे परीक्षा के नज़दीक चीज़ें जो है एक्स्ट्रा क्लासें लगा के पूरा सिलेबस कवर नहीं करवाते थे तब कोई था जो रात को 9 बजे से 11 बजे तक 12 बजे तक खड़ा होता था और उसने ये जिम्मा लिया था कि मैथ्स का चैप्टर वाइज चैप्टर से ख़त्म करवाऊंगा ऐसे नहीं उठा उठा के कहीं से भी खत्म कर दिया एक एक सिस्टेमिक तरीके से चैप्टर से हर कंसेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ाऊंगा ताकि बच्चों को हेल्प मिले मदद मिले नौकरी लगेंगे ऐसा नहीं है ये आग तो बुझनी पड़ेगी जो बेरोजगारी की आग है इसको बुझा के रहेंगे भाई उत्तर दे दीजिए इधर ठीक है तीन पुरुष और सात महिला एक कार्य को दस दिन में कर सकते हैं इतनी देर में उत्तर दे छह पुरुष और कर सकते हैं आठ दिन का समय लेते हैं उसी काम को तो दस दिन में ये होमवर्क करो भाई इतनी देर मैंने कहानी सुना दी आप इसको होमवर्क में ले जाओ क्योंकि ऐसा पढ़ चुके हैं का है भाई ठीक है? है, है।, है, चार है, है।, है सेम सवाल है आप होमवर्क में ले जाइए मैं उन सवालों को होमवर्क में ले जा रहा हूं जिनकी हमें जरूरत नहीं लग रही है भाई आठ व्यक्ति बीस दिनों में काम पूरा कर सकते हैं पांच दिन काम करने के बाद अगले आठ दिनों में काम पूरा करने का इसको पढ़ते हैं इसको बनाते हैं भाई देखिए हाँ दो सवाल मैंने होमवर्क में डाल दिए आप उनको खुद ही से बनाइएगा ठीक है आगे मैं बता रहा हूं भाई ओके 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 हरित क्रांति दीपक सेन कह रहे हैं हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथ को माना जाता है उन्नीस सौ छियासठ गुरुवर आपको प्रणाम दंडवत प्रणाम मैं दूर से पैर के आपके प्रणाम कर रहा हूँ अब इतनी कमे कमी नहीं तू कहां से हरित क्रांति ले आया इसमें उठा के इसका उत्तर दे भाई तू आठ व्यक्ति बीस दिनों में काम पूरा कर सकते हैं पांच दिनों में काम करने के बाद अगले आठ दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया बहुत सारे लोगों को जवाब समझ में नहीं आया है हरित क्रांति वाले सर ने डी उत्तर दे भी दिया है मैं बताता हूँ समझो ऐसा हुआ जितना गणित को तुम भावनात्मक तरीके से समझोगे ना उतना गणित ज्यादा समझ में आएगा आठ व्यक्ति बीस दिनों में काम पूरा कर सकते हैं इसका सेंस ये लगता है कि आठ व्यक्तियों को यह कहा गया कि भाई बीस दिन में काम खत्म कर देना अगर ये आठ आदमी काम करना चाहते हैं ध्यान से देखना अगर ये आठ आदमी काम करना चाहते तो ये काम बीस दिन में खत्म हो सकता था कितने दिन में बीस दिन में काम खत्म हो सकता था उन्होंने क्या किया पांच दिन तो काम कर दिया कितने दिन काम कर दिया पांच दिन, दिन काम कर दिया मतलब अगर यही और लगे रहते तो इनको पंद्रह दिन का काम बाकी था बाकी काम कितना था पंद्रह दिन का काम बाकी था ठीक है पंद्रह दिन का काम बाकी है भाई अभी शेष काम जो है वो पंद्रह दिन का है अगर ये आठ आदमी ही काम करना चाहें तो पंद्रह दिन में कर सकते हैं लेकिन क्या कहता है कि अगले आठ दिन में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया उनको ये कहा कि भाई आठ दिन में काम करो इस सवाल को अगर तुम समझ गए तो बहुत कुछ समझ जाओगे भाई समझिए प्लीज समझिए आठ आदमी बीस दिन में कोई काम कर सकते हैं दिन काम उन्होंने कर लिया पांच दिन काम करने के बाद मतलब पंद्रह दिन का काम उनका बाकी है उनको कहा कि अगले आठ दिन में काम खत्म करो तो बताओ कितने आदमी चाहिए इसका अर्थ क्या निकला है कि आठ आदमी बस इस अर्थ को समझ गए तो सब कुछ समझ जाओगे आठ आदमी जिससे पंद्रह दिन में करते हैं आठ आदमी जिससे उन लोगों के लिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं आठ आदमी जिसे पंद्रह दिन में करते हैं पंद्रह दिन में करते हैं उसे कितने आदमी आठ दिन में करेंगे कितने आदमी आठ दिन में करेंगे ये सवाल है क्यों क्योंकि उनसे अनुरोध किया गया है कि अगले आठ दिन में काम कदम कर दीजिए कितने और व्यक्ति चाहिए सात व्यक्ति चाहिए भाई कितने व्यक्ति चाहिए सात व्यक्ति चाहिए देखता हूं अकॉर्डिंग टू मी पहले इस सवाल का सेंस समझो सेंस इधर लगा दिया है मैंने जो एक स्टूडेंट के दिमाग में चक्रव्यूह घूमना चाहिए उसको मैंने यहां लगाया है आठ आदमी बीस दिन में कोई काम पूरा कर सकते हैं पांच दिनों में काम खत्म करने के बाद जो उनका पंद्रह दिन का काम हो गया भाई वो पंद्रह दिन का काम इन आठ आदमियों का बाकी है अगर कोई और आदमी ना चाहिए तो ये आठ आदमी ही पंद्रह दिन में निपटा सकते हैं लेकिन हुआ क्या अगले को काम जल्दी करवाना था उसने कहा कि अगले आठ दिन में काम खत्म हो जाना चाहिए तो कौन सा काम जो काम आठ आदमी पंद्रह दिन में कर सकते हैं वही काम आठ दिन में कितने आदमी करेंगे तो आप कहो एम वन डी वन बराबर एम टू डी टू एम वन डी वन बराबर एम टू डी टू सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए जिस काम को जो बचा हुआ काम है शेष काम की बात हुई है जिस काम को ये दिन में आठ आदमी कर सकते हैं कितने आदमी उस काम को अगले आठ दिन में खत्म कर देंगे आठ से आठ कट जाएगा नए आदमियों की संख्या पंद्रह चाहिए नए आदमी पंद्रह चाहिए एक्स्ट्रा आदमी कितने चाहिए वो बताओ तो आप बोलेंगे गुरु जी एक्स्ट्रा आदमी जो चाहिए एक्स्ट्रा आदमी आपको बताना है कि एक्स्ट्रा आदमी कितने चाहिए तो भाई आठ आदमी आदमी तो पहले से लगे हुए हैं पूरे आदमी पंद्रह चाहिए पंद्रह आदमी चाहिए आठ आदमी पहले से काम कर रहे हैं तो सात आदमी एक्स्ट्रा चाहिए उत्तर सात होगा सर कितना बनेगा सात उत्तर बनेगा गुरुदेव परसेंटेज में इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन नहीं आते हैं हमें आईक्यू थिंकर मेरा पढ़ाया हुआ है आई और वे साफ साफ लिखा हुआ है ए, उसमें जाओ कम्युनिटी में जा, उसमें माफ कीजिए प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में जाके भाई आराम से देख मैंने पढ़ा रखा है उसको कोई दिक्कत नहीं है तेरा जो इनकम वाला और एक्सपेंडिचर वाला दोनों के दोनों जो बातें हैं उसमें पढ़ा रखी है मैंने अगला देखिए सर एस एस का सवाल है जानिए क्या सवाल बनेगा कहता है भाई सवाल अपना स्लाइड नंबर सैतीस चल रहा है दो घंटे पूरे होने को चले हैं ठीक है बहुत जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से आप पढ़ रहे हैं मतलब ऐसा लगता है ना कई कई लोगों को देख के वो इस वक्त भी रात रात तक कल रात को भी जो है ना आप इतने सारे लोग पढ़ रहे थे तो मुझे लग रहा था कि अब की बार बताने तुमने लठ उठा रखे हैं कि कुछ भी हो जाए एग्जाम नौकरी लग के रहेंगे कुछ व्यक्ति किसी कार्य को एक दिन में नौ घंटे प्रतिदिन काम करते हुए चौंतीस दिन में कर सकते हैं यदि व्यक्तियों की संख्या चालीस कम कर दी जाए व्यक्तियों की संख्या 40 परसेंट कम कर दी जाए तो शेष व्यक्तियों को इस कार्य को इक्यावन दिन में पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करना पड़ेगा एक काम करो माना ऐसे समझो पहले मान लीजिए जब बात प्रतिशत की आती है शुरू में व्यक्ति कितने थे स्टार्टिंग में जितना मेन पावर था शुरू में आदमी कितने थे तो आप बोलेंगे शुरू में आदमी थे मान लो सो परसेंट कितने थे सो परसेंट थे कहता यदि व्यक्तियों की संख्या चालीस परसेंट कम कर दी जाए तो नए आदमियों की संख्या कितनी होगी तो नए आदमी कितने होंगे तो 40 परसेंट कम कर दो 40 परसेंट कम करेंगे तो 60 परसेंट होंगे यहां कई कई दिक्कत ये हो जाती है कि यह तो मान लेते हैं शुरू में मान लो 100 आदमी थे तो नए आदमी 60 हो गए शुरू में मान लो 100 आदमी थे तो नए 60 हो गए कई कई जल्दबाजी में चालीस ही लिख देते हैं और आंसर निकाल देते हैं चालीस तो कम करना है सवाल में बहुत अच्छा लॉजिक दिया है भाई यहाँ चालीस तो कम करना है बस यही देखना है भाई ठीक है तो कुछ आदमी इसको वही करना है एम वन डी वन एच वन बराबर आप कहेंगे एम टू डी टू एच टू बस इस पैटर्न से बना दीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी सर इसमें भी बहुत कुछ आता है मैं एक चीज कहना चाहूंगा इसमें भी बहुत कुछ आता है बहुत कुछ माने बहुत कुछ आता है लेकिन मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूं जितना अभी डीआरडीओ में और साथ में इसमें आपका जीडी में काम में आएगा रेलवे वालों को फिर से इसका चैप्टर वाइज जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेना शुरू करूंगा ले रेलवे लोको पायलट वगैरह के जो भी लोग हैं देखो ठीक है जल्दबाजी में कुछ चीजें मैं स्किप कर रहा हूँ समझना तो एम वन कितना है तो मैंने सो ले लिया डी वन कितना है ये नौ गुणा चौतीस बराबर है साठ डी टू कितना है इक्यावन प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा हमसे पूछा है बता दो आंसर आ जाएगा बहुत कुछ नहीं है आराम से हो जाएगा सर गुरुदेव पीडीएफ अभी डाल देना इसकी पक्का पक्का डालूंगा भाई देखो आप मुझे बताइए सर ए, यहां से देखो बीस तिया साठ और बीस पंजे सो सत्रह दुणी चौतीस सत्रह तिया सत्रहिया तीन, तीन, तीन से तीन कट गया पांच दूनी दस बराबर एच टू दस बराबर एच टू का मतलब उत्तर डी और उत्तर डी का मतलब उम्मीद करता हूं आपको कहानी भी समझ आ गई होगी पता भी चल गया होगा मतलब क्या है सवाल का किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई है एस एस सी सी जी एल दो हजार बाईस बीस आदमी एक काम को तीस दिन में पूरा कर सकते हैं उन्होंने एक काम करना शुरू कर दिया लेकिन चार आदमी दस दिनों के बाद काम छोड़ देते हैं कार्य कितने दिनों में पूरा होगा सर ये बहुत शानदार सा सवाल है अच्छा सा सवाल है इसको थोड़ा सा अच्छे अप्रोच से देखिए प्लीज समझिए ठीक है एस एस सी 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 जी एल दो हजार बाईस का सवाल है ठीक है बीस आदमी एक काम को तीस दिन में पूरा कर सकते हैं उन्होंने काम करना शुरू कर दिया चार आदमी दस दिन के बाद काम छोड़ गए काम कितने दिन में पूरा होगा सर एक बार देखो बीस आदमी तीस दिन में पूरा काम कर सकते हैं तो कुल कार्य बताओ कितना होगा तो आप बोलेंगे कुल कार्य हो जाएगा एक आदमी की कैपेसिटी एक मान लो तो बीस आदमियों की कैपेसिटी बीस को तीस से गुणा करेंगे कितना कार्य होगा पूरा छसो कार्य पूरा है मान लो पूरा वर्क छस्सो है भाई ध्यान देना कुल कार्य हो जाएगा बीस गुणा तीस तो बीस गुणा बोलेंगे तो हो जाएगा ठीक बात है कोई है कोई दिक्कत नहीं इससे पूरा कार्य पता चल गया उन्होंने अब यहां से समझो उन्होंने कार्य करना शुरू किया रात वाला ट्रिक देखिए रात वाले तरीके से बता रहा हूं उन्होंने काम करना शुरू किया लेकिन चार आदमी दस दिन के बाद काम छोड़ गए अगर उन्होंने काम करना शुरू किया और चार आदमी दस दिन के बाद काम छोड़ गए इसका मतलब चार उन्होंने सबने काम शुरू किया आदमी कितने थे बीस तो उन जो बीस आदमी थे उन्होंने सबने काम शुरू किया और वो काम करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे और उन्होंने चार दस दिन तक काम करा कितने दिन तक काम किया दस दिन तक तो उन्होंने सभी ने काम किया पूरे बीस के बीस आदमियों ने दस दिन काम किया दस दिन बाद चार आदमी छोड़ गए चार आदमी छोड़ने का मतलब सोलह आदमी शेष काम को पूरा करेंगे सोलह आदमी शेष काम को पूरा करेंगे so, तो मुझे ये बताओ भाई इधर एक बताना एक आदमी की कार्य क्षमता मैंने एक मानी है एक आदमी की कार्य क्षमता मैंने एक मानी है इसलिए बीस आदमियों की बीस तो इधर बताओ कुल कार्य कितना हो गया तो, <workitenın> तो आप बोलेंगे दो सौ कार्य अरे बीस इसको गुणा कर दो यहां से दो सौ कार्य तो उन्होंने पूरा कर दिया शेष कार्य बताओ कितना बना तो आप बोलेंगे छस्ो पूरा काम था छस्ो में से दो सौ काम तो उन्होंने पहले ही पूरा कर दिया तो चार सौ काम शेष बच गया ये जो 400 काम शेष बचा है ना ये 400 सो काम 16 आदमी करेंगे कितने आदमी 16 आदमियों को करना है 16 आदमी कितने दिन में करेंगे तो आप बोलेंगे 400 सो बटा सोलह आप कहेंगे 16 दूनी बत्तीस सोलह पंजे अस्सी उत्तर कितना आ जाएगा 25 25 आएगा भाई नोट 35 पच्चीस आएगा अंकित कुमार गुजर तू अब भी आया है मेरे को लगता है ठीक है उत्तर कितना आएगा पच्चीस आएगा भाई आराम से समझिए बहुत उम्दा सवाल है बीस आदमी तीस दिन में काम कर सकते हैं तो बीस काम हो गया पूरा उन्होंने दिन दिन बाद आदमी काम काम छोड़ के जा रहे हैं इसका मतलब आदमियों ने दस दिन तो काम किया उसके बाद चार छोड़ गए तो पीछे सोलह बचे ठीक है अच्छा क्या कह रहा है ये तो पच्चीस तो है ना भाई शेष कार्य है माफ कीजिए कहता है आगे क्या पूछा है कार्य कितने दिन में पूरा होगा तो कुल समय हमें पूछा है कि कुल समय कितना होगा अगर भाई कुल समय पूछा है ना तो दस दिनों के बाद काम छोड़ रहे हैं इसका मतलब पच्चीस तो यहां लग गए दस पहले हो गए 35 दिन होगा पहले यह भी देखो शर्मा जी ने अच्छी बात कही है ठीक है उत्तर जो होगा वो थर्टी फाइव होगा भाई ध्यान रखें उत्तर होगा विकास सैनी नाइस देखिए अगला देखिए यह भी अच्छा सवाल है समझिए एस एस सी का सवाल पूछ रहा है देखो एक आदमी तीस एक काम तीस दिनों में पैंतीस शर्मी को द्वारा पूरा किया जाता है प्रत्येक दस दिन बाद पांच श्रमिक काम छोड़ देते हैं कार्य कितने दिन में पूरा होगा अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होगा भाई सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होगा बताइए बाकी आज की क्लास का टाइम वैसे खत्म हो रहा है ठीक है एक काम तीस दिन में तीस दिनों में आ, तीस दिनों में पैंतीस शर्मी को द्वारा पूरा किया जा सकता है ठीक है एक दो सवाल इसके बाद और होंगे वैसे भी हमारी स्लाइड लगभग पूरी हो रही है ध्यान से देखो यहाँ एक चीज देखो कुल काम कितना है पहले ये देखिए तो आप बोलेंगे कुल कार्य है तो प्लीज ध्यान दो कुल कार्य तीस सात दिनों में पैंतीस शर्मी को द्वारा पूरा किया जाता है अगर तीस दिनों में पैंतीस शर्मी को द्वारा पूरा किया जाता है तो पैंतीस गुणा तीस और 35 गुणा तीस बोले तो 1050 हजार कार्य पूरा हो गया वर्क पूरा वर्क 1050 है इसको समझने में थोड़ा सा जोर आएगा गुरु जी आंखों में दर्द हो रहा है भयंकर तरीके से फोन में देखने से आंखों में पानी आ रहा है क्यों भाई पूरे दिन फोन चला रहा था क्या अंकित ऐसा क्या हुआ है है रोज तो नहीं होता है तुझे खैर हमारी क्लास का वैसे भी टाइम हो चुका है धीरे धीरे जो है वो लोग एक एक करके सोने लग गए हैं हालांकि मेरे को लगता है तुमको सब चीजें पढ़ के सोना चाहिए उत्तर पता नहीं अब तक उत्तर दिया नहीं है किसी ने प्लीज जानने की कोशिश कीजिए एक हजार पचास काम पूरा है अब होता क्या है ना काम शुरू होता है जैसे ऐसे देखना एक लिस्ट बनाता हूँ तुम यहां से समझोगे यहां से देखना भाई इस जगह से प्लीज जानो सब लोग यहां से लेकर यहां तक का पूरा काम है ये समझ लीजिए प्रत्येक दस दिन बाद पांच श्रमिक काम शुरू कर रहे हैं मतलब शुरू में कितने श्रमिक थे पैंतीस श्रमिक थे तो उन पैंतीस आदमियों ने दस दिन तक काम किया दस दिन के बाद पांच भागे तीस श्रमिक की बचे उन्होंने दस दिन काम किया उसके बाद और पांच गए पच्चीस श्रमिक उन्होंने भी दस दिन काम किया ऐसे जल्दी समझोगे फिर दस दिन काम किया बीस श्रमिकों ने दस दिन काम किया ऐसे काम जो है वो चलता गया फिर भाग गए पंद्रह बचे दस दिन तक काम किया ऐसे करते गए तो एक चीज देखना भाई यहां से थोड़ा सा प्लीज समझना दस दिन प्लीज समझिए अगर मैं कहूं कि शुरू में पैंतीस श्रमिक काम पर लगे पैंतीस दस कितना हो गया तीन सौ पचास पूरा काम कितना है ये बताइए आप कहेंगे गुरु जी और ये क्या है क्या दिक्कत है इस सज्जन को सर प्लीज जानिए पैंतीस आदमियों ने काम शुरू करा और इन पैंतीस आदमियों ने दस दिन तक काम करा अगर पैंतीस आदमियों ने दस दिन तक काम करा तो साढ़े तीन सौ काम कर दिया क्या आप कहेंगे हाँ सर ठीक है फिर अगले पांच आदमी भाग गए तीस आदमी बचे इन्होंने दस दिन तक काम करा तो बोलो तीन सौ काम कर दिया क्या आप बोलेंगे हाँ सर पूरा काम कितना है भाई एक हजार पचास एक हजार पचास में से तीन सौ पचास कम कर दो कितना काम बचा सात सौ पचास इस सात सौ पचास में से फिर तीन सौ काम कर खत्म कर दो कितना बचा चार सौ पचास ऐसे होगा कि नहीं होगा फिर अगले दिन पांच और भाग गए और इन्होंने कितने दिन काम किया तो आप बोलेंगे दस दिन काम किया तो ढाई सौ काम यहां से खत्म हो गया फिर अगर 250 काम खत्म हो गया तो इसमें से 250 कम कर दो 250 कर दिया तो कितना बचा भाई 200 काम बचा कितना बचा 200 काम से इस बचा हाँ या ना बताइए यही होगा एक में से तीस पंजे एक तो सात काम बचा फिर पांच दिन बाद और श्रमिक भाग गए ठीक है तीस दिनों में पैंतीस ही थे दस दिन के बाद प्रत्येक दस दिन बाद पांच श्रमिक भाग रहे हैं तो तीस बचे उन्होंने तीन सौ काम किया तो साढ़े सात सौ में से तीन सौ गया तो साढ़े चार सौ फिर और पांच भाग गए पच्चीस बचे पच्चीस ने दस के हिसाब से ढाई सौ काम कर दिया तो साढ़े चार सौ में से ढाई सौ काम बचा कितना सर दो सौ देखो देखिए यही बचा है क्या अगर मैं सही लिख रहा हूं तो प्लीज समझिए साढ़े सैंतीस दिन दे रहे हैं अब अगले दिन जो है वो बीस दस दो सौ से यहां तो सही बराबर बैठ रहा है अच्छा 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 शर्मा जी शर्मा जी शर्मा जी शर्मा जी भाई शर्मा जी इधर 700 ही बचेगा 700 में से 300 कम किया तो कितना बचेगा 400 ही बचेगा और 400 में से 250 कम किया अगर 400 में से भाई 250 कम करेंगे ना तो कितना बचेगा 150 ही बचेगा अब 150 काम बाकी है अगले दिन बाद कितने श्रमिक बचेंगे 20 श्रमिक सर आदमी बचे 20 अगर पूरा का पूरा 10 दिन काम करें तो काम 200 बाकी होना जरूरी है लेकिन काम तो 150 ही बाकी है इसका मतलब अगले ये 20 श्रमिक और ये 20 श्रमिक 150 काम करेंगे 20 श्रमिक 150 काम करेंगे सर हाँ। यही होगा होगा कि नहीं आप कहेंगे सर साढ़े सात दिन में तो साढ़े सात दिन इन्होंने और काम करा पूरा काम कितने दिन हुआ दस दस बीस दस या तीस तीस और सात साढ़े सैतीस दिन आपका राइट आंसर होगा अब दिक्कत एक बात बताएं आप लोगों को सर विकास सैनी सर शायद आप विकास जी सैनी है जो जी के पढ़ाते हैं जीत का जज्बा कुछ इस तरह से रखो मेरे दोस्त चाहे कश्ती कागज़ की क्यों ना हो आपके हौसलों के सामने समुद्र भी हार मान ले और रास्ता दे दे होना भी यही चाहिए अगर आप विकास जी सर हैं तो आपका शुक्रिया सर और अगर कोई और आप विकास जी दूसरे हैं तो भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर इस सवाल को समझने में थोड़ा सा फाइव जी अप्रोच लगाते हैं इसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं ये इस तरह से सवाल हमें नहीं बनाना होता है आपको यही देखना होता है कि शुरू में

एक हजार पचास था तो शेष काम कितना बचा बस ये देखो आप बोलेंगे शेष काम एक पचास बचा है कितना बचा है शेष एक सौ पचास काम बचा है अगली बार बीस जनों का नंबर है पूरा बीस जनों के दस दिन का काम बाकी नहीं बचा है क्योंकि दस दिन में तो दो सौ काम करेंगे तो साढ़े सात ही यहां होगा अगर साढ़े सात होगा तो इनको जोड़ दीजिए ये फाइव जी अप्रोच है इसका अगला सवाल देखिए सर अगर आपके लाइक है तो बताता हूं नहीं तो खुद से बनाएंगे आप ठीक है देखो चार तीन पुरुष चार महिलाएं छह लड़के मिलकर एक साथ किसी काम को दस दिन में ये सारे मिलकर एक साथ किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं दस दिन में छह दिन में कर सकते हैं एक महिला यहां देखना एक पुरुष की तुलना में तो ये तो पुरुष ये महिला और ये लड़का एक महिला पुरुष की तुलना में तिगुना कार्य करती है क्या बात है महिला पुरुष की तुलना में तिगुना कार्य करती है बढ़िया बात तथा एक लड़का एक पुरुष की तुलना में आधा काम करता है एक लड़का एक पुरुष की तुलना में आधा काम करता है अगर मैं ऐसे मान लू लड़का एक काम करता है तो फिर इसको दो करना पड़ेगा क्योंकि तभी दो का आधा एक होगा और इसको तीन दुनी कितना करना पड़ेगा छ करना पड़ेगा इनकी क्षमता का अनुपात यह आ गया भाई इफिशियंसी का अनुपात बहुत आसानी से मैंने बता दिया आप ये कहेंगे कि इधर तीन दुनी और इधर जो है आधा होगा भाई ठीक है दो अनुपात छ अनुपात एक होगा कहता है आगे बोल रहा है इस कार्य को चार दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी कौन से काम को तो पहले ये देखो कुल कार्य कितना होगा आप ये देख लो कुल कार्य कितना होगा तो आप बोलेंगे सर तीन तो पुरुष यहां काम कर रहे हैं चार महिलाएं यहां काम कर रही हैं और छह लड़के यहां काम कर रहे हैं जिस काम को ये सारे लोग छह दिन में कर रहे हैं उसी काम को आप मुझे बताइए चार दिन में कितनी महिलाएं काम पर लगानी पड़ेंगी कितनी महिलाओं को काम पर लगाएं ताकि चार दिन में ही काम पूरा हो जाए आराम से समझने की कोशिश करना बहुत सुंदर सवाल है भाई ठीक है है पहले अब की की बार वैसे निकालने जरूरत नहीं है। को लेकर कल जो शुरू में बताया था उसकी तरह आंसर दे दिया है भाई ठीक है तो बोलो एम की वैल्यू कितनी होगी तो आप बोलेंगे तीन दुणी कितना हो जाएगा छह प्लस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां से इसका वैल्यू डब्ल्यू का वैल्यू कितना है छह छत का कितना होगा चौबीस प्लस बी का वैल्यू एक है तो आप बोलेंगे च्छे कम च्छे। इनका छह दिन का काम बराबर कितनी महीला, एक महीला की है और कितना? ठीक है? आप कहेंगे 30, 36, 6 से 6 कट गया। 36 में भाग देंगे ना छत्तीस बराबर क्वेश्चन मार्ग गुणा चार नो चौका छत्तीस नो बराबर क्वेश्चन मार्ग अगर नो बराबर क्वेश्चन मार्क है तो उत्तर होगा एक नंबर कितना बनेगा भाई एक नंबर आपका राइट आंसर होगा उत्तर बताइए देखिए बनाया नहीं बनाया बहुत शांत स्वभाव का सवाल था कुछ भी दिक्कत नहीं थी ए उत्तर होगा सर सर आज जयपुर में भी नेट नहीं चल रहा है गुरु के बाबू बोल रहे हैं अभी मैं उल्टा लटक जाऊंगा भगवान का सम उकसा मत तो इस वक्त ठीक है मैं उल्टा लटक जाऊंगा उल्टा लटक के पढ़ा दूंगा अगर दोबारा से बात जयपुर में नेट नहीं चल रहा है कैसी बात कर रहे हो तुम हैं उकसा रहे हो आप लोग तो बताइए अगला देखो सर हम्म पांच पुरुष और दो लड़के तीस दिन में उतना काम कर सकते हैं जितना दस पुरुष पंद्रह लड़के कर सकते हैं चार दिनों में काम करने के लिए कितने लड़कों को पुरुषों के साथ जुड़ना होगा सर बस इतना सा समझ लो इन दोनों से इफिशियंसी होमवर्क में डाल रहा हूं सवाल को क्योंकि हमारी क्लास का टाइम हो चुका है ठीक है और वैसे खत्म भी हो चुकी है क्लास जो चीजें थी वो बता चुका हूं इससे तो निकाल लेना इफिशियंसी अब आगे पूछा क्या है वो मैं बताता हूं उस काम को चार दिनों में काम करने के लिए कितने लड़कों को तो कितने तो लड़के कितने लड़के प्लस चालीस पुरुष मिलकर काम चार दिन में करेंगे ये वाला आंसर हो गया भाई बताना किसका जवाब है वो देखो कितने लड़कों को चालीस पुरुषों के साथ काम पर जोड़ो कि चार दिन में काम पूरा हो जाए करना क्या है पांच पुरुष और दो लड़के ठीक है जिस काम को भाई तीस दिन में पूरा कर सकते हैं सात पुरुष और दस लड़के उसी काम को पंद्रह दिन में पूरा करते हैं इससे इफिशियंसी निकाल लेना इसको हल करके एम और बी की वैल्यू निकाल लेना निकालोगे एम और बी की वैल्यू निकालने के बाद जिस काम को पांच आदमी और दो लड़के दस दिन तीस दिन में कर सकते हैं उसी काम को कितने लड़के और चालीस आदमी चार दिन में करेंगे एम और बी की वैल्यू निकाल के आराम से उत्तर बता देना कोई दिक्कत नहीं होगी विकास कुमार बिहार पटना से विकास कुमार बहुत ठंडा है हाँ भाई बहुत ठंड है विकास कुमार लेकिन आप अब भी पढ़ रहे हैं अच्छी बात है एस एस सी सी एच एस एल जी डी स्पेशल सवाल है फटाफट बनाइए सर जी डी स्पेशल सवाल है प्लीज फटाफट बनाइए बताइए क्या जवाब होगा क्लास का टाइम जो है हमारा दस मिनट ऊपर जा चुका है इधर सवाल लगभग पूरे ख़त्म हो चुके हैं कुछ भी नहीं बचा है दो तीन चार चार सवाल हो रहे हैं फटाफट देखिए सर एक परिवार 24 दिनों में 6 किलो चीनी खाता है 18 दिनों में कितने कितनी, दिन दिन तो दिन दिन कितनी चीनी खाएगा बस ये देखो तो एक दिन में चीनी खाएगा छह बटा चौबीस बोले तो एक बटा चार के जी अगर एक दिन में आठ एक बटा चार के जी खाएगा तो अठारह दिन में कितनी के जी चीनी खाएगा तो आप बोलेंगे अठारह गुना एक बटा चार नौ दूनी अठारह दो दुनी चार साढ़े कितना चार पॉइंट पांच नहीं आ रहा है क्या भाई कहा गया चौबीस दिनों के लिए छह किलो चीनी खपत करता है अठारह दिनों के लिए कितनी चीनी की खफत होगी चौबीस दिन में अगर छह किलो चीनी खा रहे हैं तो एक दिन में चीनी खाएंगे छह बटा चौबीस छचों का चौबीस एक बटा चार अठारह में खाएंगे आप कहेंगे नौ बटा दो और नौ बटा दो का मतलब चार पॉइंट पांच आना चाहिए भाई चार पॉइंट पांच आना चाहिए पता नहीं क्या कर रहे हैं दीपक से अकॉर्डिंग टू चार पॉइंट पांच के जी चीनी आनी चाहिए अगर किसी के मन में कोई और बात है तो बता सकता है सर किसी के मन में और कोई बात हो तो बताइए हम तो रजाई में घुस अच्छी बात है आठ डिग्री टेम्परेचर है क्या बात है सर इसको देखिए मेरे अकॉर्डिंग चार आ रहा है भाई चार आएगा इसको चार कर लो तुम चार पॉइंट पांच इसको कर लीजिए आप ठीक एक किले में साठ दिनों के लिए चार सौ पुरुषों के लिए प्रावधान था पैंतीस दिन बाद सो आदमी और आ गई यह मानकर सभी पुरुष समान रूप से भोजन करते हैं प्रावधान कितने दिन का चलेगा? 2021 का चलेगा है थोड़ा थोड़ा सा देख लीजिए भाई समझिए 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 यूपी में ठंडा पड़ रहा है राजस्थान में आइए सर हम बताते हैं आपको ठंडा क्या होता है यूपी में बैठ के क्या ठंडा ठंडा कर रहे हो हमारे यहाँ बहुत ठंड होती है देखो सर साठ दिन में चार सौ पुरुषों के लिए भोजन का प्रावधान था इसका मतलब चार सौ जो पुरुष है ना भाई ये चार सौ पुरुष एक जगह भोजन खा सकते हैं साठ दिनों तक कितने दिन तक साठ दिन तक भोजन खा सकते हैं पैंतीस दिन बाद मतलब पैंतीस दिन तो इन्होंने रोटी खा ली पैंतीस दिन बाद का मतलब आप कहो पच्चीस दिन बाकी है कितने दिन का पच्चीस दिन खा सकते हैं अगर दोस्त ये चार सौ आदमी खाना खाना चाहे तो पच्चीस दिन में खा सकते हैं पच्चीस दिन तक खा सकते हैं अगर यही चार सौ कोई और नहीं आए सोच के देखो सर एक चीज फिर रिपीट कर रहा हूं सोच के देखो भाई कि 400 पुरुष 60 दिन में भोजन का प्रावधान था अगर कोई आदमी नहीं आता तो इन 400 पुरुषों के 25 दिन भोजन और चलता कंफर्म क्योंकि 35 दिन तक तो इन्होंने भोजन खा लिया है तो अगर चाहते तो ये लोग जो हैं और भोजन खा सकते थे 25 दिन तक लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या आदमी जो हैं वो कितने और आ गए 100 आदमी और आ गए अब पुरुष हो गए पांच तो पांच पुरुष अगर यही भोजन खाएं तो फिर कितने दिन तक भोजन चलेगा हमें यह बताना है कौन सा भोजन पहले मुझे ये बताओ आप कहेंगे गुरुजी m1d1 m2d2 कौन सा भोजन 400 आदमियों का 25 दिन का भोजन 500 आदमियों के कितने दिन चलेगा हमें ये बताना है रिपीट कर रहा हूं फिर से देखो जिस भोजन को 400 आदमी 25 दिन और खा सकते थे वही भोजन अब अगर 500 पुरुष खाएं तो कितने दिन खाएंगे क्योंकि 35 दिन तो अपने हिस्से का वो खा चुके हैं उनका तो 25 दिन का ही और बचा है चार सौ गुणा पच्चीस दो जीरो से दो जीरो पांच पांच पच्चीस पांच सौ के बीस बराबर डी टू उत्तर जो होगा वो तीन नंबर होगा उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ आई है ये भी स्थिति पता चली होगी कि बना कैसे है अगला देखिए सर एस एस सी एम टी एस दो हजार इक्कीस का सवाल है और देखिए बस एक दो सवाल और बचा है खत्म हो गया है चौदह दिनों के शिविर के लिए तीन सौ लोगों के लिए आपूर्ति थी मतलब आप ये कहो कि तीन सौ जो लोग हैं ना भाई ये तीन सौ लोग भोजन को कितने दिन खा सकते थे चौदह दिन खा सकते थे उनके लिए मंगवाया कि भाई चौदह दिन का राशन ले आओ इन तीन सौ लोगों के लिए तो तीन सौ लोगों के लिए चौदह दिन का राशन आ गया हुआ क्या अचानक से पचास आदमी और आके टपक गए तो पचास आदमी और आके टपक गए तो मतलब आप अब आदमी हो गए साढ़े तीन सौ वो का वही भोजन साढ़े तीन सौ लोगों को खाना पड़ेगा कितने दिन खाएंगे बस इतना सा बता दो ऐसे सवाल एस एस वालों के लिए खूब भर के आ सकते हैं प्लीज थोड़ा सा इनको मैटर में लेना ध्यान से सुनना 300 लोग पहले ही दिन आ गए मतलब उनको तो चकने ही नहीं लिया विचारों को मंगतोड़े की तरह पहले ही दिन आके खड़े हो गए कि भाई 50 अब और आ गए तो अब कहते हैं कि 300 लोग जिस भोजन को 14 दिन में खा सकते थे उसी भोजन को अब साढ़े तीन सौ लोगों को खिलाना है और कितने दिन खाएंगे बस ये बताना है आप कहेंगे गुरु जी कोई दिक्कत नहीं है इसके तो हम जो है खाने में माहिर हैं कुछ भी नहीं छोड़ेंगे जीरो से जीरो काट देंगे इधर सात दो चौदह सात पंजे हो जाएगा पैंतीस छह पंजे तीस छत दो बारह बारह गुना डी टू उत्तर जो होगा वो एक नंबर होगा कितना बनेगा भाई एक नंबर आपका राइट आंसर बनेगा उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी भाई अशोक कुमार थोड़ी देर और टिक जा एक दो सवाल ही हो रहे हैं भगवान कसम लास्ट सवाल चल रहा है इसके जस्ट एक बात और सवाल है बात खत्म होती है बस दो मिनट और रुक जाइए पंद्रह व्यक्ति प्रतिदिन छह घंटे काम करके नौ सौ रुपए काम करके कितना पैसा कमाएंगे होमवर्क के तौर पर है है भाई पढ़ा चुका चुका हूं पीछे पीछे जाइए आ चुका है। लेकिन याद रखना सीरियस लेना दो हजार बाईस का है होमवर्क में डाल रहा हूं आज की क्लास का लास्ट सवाल है एक किले में ये हो गया रिपीट हो गया भाई ये रिपीट हो गया ये लोग क्लास खत्म ये रिपीट हो चुका है क्लास

देखो टीसीएस के मायने बताता हूं आपको क्या है टीसीएस जिस नाम से आप टीसीएस एग्जाम जोन है इसका सही नाम है हाँ भाई पीडीएफ अभी डाल रहा हूं जिस नाम से टीसीएस है इसका सही नाम है तपस्या कोचिंग सीकर इसका ये तो है ओरिजिनल नाम कई लोगों को ये लगता है कि टीसीएस का फुल फॉर्म क्या है तपस्या कोचिंग सीकर ठीक है पहला इसका नाम है ऐसे ही होता है क्या तपस्या हाँ अंग्रेजी में लिखा हुआ है मेरा तपस्या कोचिंग सिक्कर इसका नाम है भाई हमारा डिस्टिक है पहला नाम दूसरा जो टीसीएस का नाम है वो दूसरा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो रेलवे और एसएससी के और देश में विभिन्न एग्जामों को कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी का नाम टीसीएस है और तीसरा इसका फुल फॉर्म है तेरा कैरियर सेट है भाई टीसीएस तेरा केरियर सेट है तो टीसीएस से पढ़ तेरा सेट है लेने की जरूरत नहीं नहीं है है ऐसे इसके तीन फुल है। पर वगैरह के नाम से इसी क्लास को खत्म होते ही ये IQ थिंकर अभी डाल रहा हूँ अभी डाल रहा हूं ठीक है क्लास को शेयर कीजिए उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ यहाँ से समझ आया होगा बहुत चीजें आप लोगों ने जो है वो समझा होगा भाई ठीक है हाँ जी गुड आप लोग एवरेज लगभग पिछले एक घंटे में 40 से 45 लोग जुड़े रहे शुरू में 50 से ज़्यादा लोगों ने मुझे देखा ये भी इस वक्त जब पूरी तरह से ठंडी का माहौल है बार घर वाले ये कहते हैं कि भार मत जाइए ठंडा लग जाएगा उस वक्त भी आप लोग पढ़ रहे हैं मतलब आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं उससे ज़्यादा चिंतित मैं इस बात को लेकर हूँ कि कहीं मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही तो पढ़ा रहा हूँ ना बच्चों को पूरी चीज़ मिल रही है क्या नहीं मिल रही है लेकिन उम्मीद करता हूँ आप कीजिए तुम बच्चे कोई भी नहीं हो ठीक है आप सब जो हैं वो स्टूडेंट हैं तो सब स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है आज तुम सोने नहीं देगो, शर्मा जी आज सोने की छुट्टी कर रहा हूँ पहले मैं पी डालता हूँ फिर मैनसुरेशन वाला वीडियो अपलोड करता हूँ उसको प्रीमियर पर लगाता हूँ ठीक है जय हिंद भाई सबको गुड नाइट जय हिंद धन्यवाद